या ओके हाय एवरीवन सो आई एम सपोज आई थिंक आई एम लाइव ओके 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 सॉरी थैंक्स अ लॉट या थैंक यू सर जो है फॉर हेल्पिंग मी आउट थोड़ा सा जो है मैं स्टक हो गया था मैं लाइव नहीं जा पा रहा था राइट तो थैंक यू लॉट टीम ओके ओके सो चलिए तो वापस शुरू करते हैं अपना डिस्कशन हम लोग चालू करते हैं या yeah, तो भाई हम लाइव है है ना तो हमारे फोकस बैच की क्लास है और फोकस बैच में अपना हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं तो फिफ्थ क्लास है इसके पहले इसके पहले हम लोग कुछ क्लासेस और भी कर सकते हैं और फोकस बैच में जो है हमारा जो ध्येय है जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि हम लोग बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स की जो कि हमें प्रम्स और मेन्स में अच्छा खासा स्कोर दिलाते हैं तो टारगेट हम लोग अभी कर रहे हैं फिलहाल दो और इसके तहत एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास हमने करी हुई है देन उसके बाद जो है बुद्धिज्म एक कंप्लीट बुद्धिज्म की एक क्लास हमने करी है राइट right. उसके अलावा जो है मुगल एम्पायर दो क्लासेस में हमने कंप्लीट पढ़ा है मुगल एम्पायर राइट कंप्लीट हो गया है वो और आज हम लोग एक और टॉपिक उठा रहे हैं ब्रिटिश कॉन्केस्ट तो अब थोड़ा मॉडर्न इंडिया टच करने का वक्त आ गया है मॉडर्न इंडिया पे आने का वक्त आ गया है, है ना तो चलिए आप लोगों का जो है वापस बहुत सारा स्वागत है राइट बहुत स्वागत है आप लोगों का एंड जो है आइए हम लोग बात फिर शुरू करें ओके या गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो मुगल एम्पायर हमने पढ़ लिया था आज हम इसमें एंटर कर रहे हैं मॉडर्न में एंटर कर रहे हैं दिस इज ब्रिटिश हैंस्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिश कॉन्केस्ट की बात करेंगे कि भाई हम गुलाम कैसे बने वो प्रोसेस क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे अगेन जो है इसमें आपको क्या करना है कि विद क्लास आप नोट्स बनाना चाहें बना सकते हैं तो प्लीज बना लीजिए राइट एटलीस्ट एटलीस्ट स्क्रिबल तो करिए खाली बैठ के यू नो मूवी मत देखिए थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिए जो भी पॉसिबल है जो भी आपको समझ में आ रहा है वो कम से कम इसमें इसके साथ मेरे साथ साथ लिखते चलिए राइट दैट विल रियली हेल्प योर लर्निंग प्रोसेस आप ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाओगे है ना अगेन जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि ओवरऑल दो चीज़ें होंगी एक एनालिटिकल पार्ट होगा जिसे एसेंस कह सकते हैं राइट right? और दूसरा फैक्ट्स होंगे एसेंस आपको आज समझ में आ जाएगा है ना आप हंड्रेड परसेंट एसेंस आप मान के चलिए कि आप पकड़ लेंगे कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा था ये ये बातें हुई है ये ये पूरा जॉनर है टाइम लाइन पर कुछ ऐसा हुआ है ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी बट फैक्ट्स में आप यू you नो know, बहुत सारी बैटल्स हैं बहुत सारे गवर्नर जनरल्स हैं राइट है ना और ट्रीटीज़ हैं ऐसा नहीं होगा कि सारी ट्रीटीज़ वगैरह आज ही आपको रट जाएंगी रटना भी नहीं है आप ही अगेन मान के चलिए कि फोर्टी परसेंट फैक्स आज हो जाएंगे राइट right? और आगे जब जब आप रिवाइज करते रहेंगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं इसके साथ साथ आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं साथ में एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा ये जो जो है जो प्रेजेंटेशन है इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन बट इट इज पीपीटी प्लस थोड़ा सा स्टडी मटेरियल तो मैंने जहां पे टेक्स्ट है मैंने रहने दिया है मैंने डिलीट नहीं किया है इनफैक्ट मैंने ऐड किया है कि हाँ बाद में आप इस पी को भी रेफर कर सकते हैं राइट है ना और एक दो बार रीडिंग करके आप में भी आप स्टैंडर्ड बुक पे ही फॉलो कर सकते हैं या ये पी भी एग्जॉस्टिव है आप पी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं बाय द वे ये पी और ये सारे ही पी ये आपको हमारी वेबसाइट पर या एप पर मिल जाएंगे दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट राइट है ना वहां से आप डाउनलोड कर लेना फोकस बैच में आपको जाना पड़ेगा फ्री में एनरोल हो जाओगे और वहां से आप आराम से ही पी डाउनलोड कर लीजिएगा राइट right. है ना तो जो है ये पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा तो कंप्लीट पीडीएफ विद ऑल दी एनोटेशन जो भी मैं कुछ माइंड मैप टाइमलाइन बनाऊंगा सब आपको वहीं पे मिल जाने वाला है चलिए खैर इसी डिस्कशन के साथ बात जो है आगे बढ़ाते हैं तो आज हमारा मुद्दा क्या है हमारा मुद्दा क्या है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से ग्रो करेगी किस तरीके से एक बड़ी अंपायर क्रिएट होगी इनफैक्ट इनफैक्ट आज जो हम बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं 1707 जीरो से अगर हमने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करी है और लेट से 1947 तक हम मॉडर्न इंडिया एंड कर देंगे बिकॉज यहां पे इंडिपेंडेंस है दिस इज इंडिपेंडेंस एंड दिस इज डेथ ऑफ वॉरंगे आज जो हमारा मुद्दा है मेन हम समझेंगे कि रफली अराउंड या इसको एक दो पार्ट में और बांट लेते हैं इसको अठारह सो सत्तावन कर देते हैं राइट right. तो रफली अराउंड सेवनटीन फिफ्टीज या सेवनटीन फिफ्टी सेवन हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज होने लगता है और यह अट्ठारह सो सत्तावन तक राइज करता है जिसके तहत ऑलमोस्ट कंप्लीट इंडिया हम देखेंगे कि किस तरीके से यू नो स्टेट दर स्टेट राजा दर राजा जो है उनके कंट्रोल में आने लगेंगे वो कंट्रोल किस तरीके का है राइट किस तरीके से ग्रो हुआ है राजे महाराजे क्यों हार गए लोगों से तो यहां पर हम बात करने वाले हैं आज ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस हमारे जो राजे महाराजे राइट हमारे जो किंग्स हैं प्रिंसेस हैं स्टेट्स हैं है ना ऐसा किंग्स ना लिख के इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं हमारे इंडियन स्टेट्स ये यहां पर किस तरीके से हार रहे हैं प्रोसेस क्या है क्यों हार रहे? ये सारा डिस्कशन हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो एक-एक स्टेट -एक ये मुद्दा आप समझ गए होंगे किस -किस चंगुल में क्या हो रहा था प्रोसेस क्या था ये समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत इंटेंशन भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था यहाँ पे स्टेट तो हम उठाएंगे यहां पर हम बात करेंगे प्लासी की बक्सर की माइसोर की मराठास की पंजाब की सिंध की और फिर सब कुछ समअप करेंगे हम अंडर गवर्नर जनरल राइट अब ये थोड़ा सा लास्ट वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है टेक्निकल है उसके बाद मैंने सारे PYQs भी ऐड कर दिए हैं राइट पीवा पी डी एफ में यूनो you know, मिलेंगे इस पूरी के बाद आप पीवाई क्यूज के थ्रू जाइएगा इस साल भी इस जो टॉपिक से सवाल पूछा गया है इनफैक्ट जो है यू you नो know, हैदराबाद वगैरह का सवाल था इन स्टेट्स का सवाल पूछा हुआ है राइट right, तो ये है थोड़ा सा टॉपिक एक आध सवाल ये देता रहता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर आप मान के चलिए कि हाँ लास्ट दो, दो चार सालों से आप देखिए तो आपको हर जो है यू you नो know, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको यहाँ से सवाल देखने को मिल रहा है राइट right, पूरे टॉपिक से मिला के अब तक कुछ पंद्रह सोलह सवाल यहाँ से बन चुके हैं right, राइट तो है ये है रेलिवेंट है इंपॉर्टेंट है स्पेशली थोड़ा सा ना ये जो टॉपिक है जनरली लोग छोड़ देता है राइट right, ये जो राज्य महाराजे वाला टॉपिक है ना किंग्स वाला पार्ट जो है कांगे वाला किंग्स वाला पार्ट ये जनरली लोगों का वीक रहता है और यूपीएससी को पता है कि आपके लिए पेरीफेरल एरिया है ना यहाँ पेरीफेरल में थोड़ा सा कम दिखता है कोर में तो आपको बहुत अच्छे से दिखता है बट पेरीफरी में कम दिखता है तो इससे पता है कि यूपीएससी अगर यहां से पूछ लेगा ना तो तुम फस जाओगे दैट इज़ द रीज़न वो से पूछेगा क्योंकि तुम हिस्ट्री तो पूरी वाली पढ़ नहीं रहे हो राजे महाराजे वाली तो फंसने के बहुत है तो कोशिश करेंगे कि हाँ इसको पकड़ लें आइए बात करते हैं राइट तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव एम योर कोर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए मुद्दे आते हैं राइट तो ये सारे स्टेट्स हमें बात करनी है यहाँ पे उठाते हैं तो यहाँ पे समझो कि ये जो प्रोसेस है राइट right? ये पूरा प्रोसेस जो यहां पे क्रिएट हो रहा है एक हमें इंपीरियल पावर नजर आ रही है ना व्हाट इज इंपीरियलिज्म बेसिकली बात करता है पॉलिटिकल सेंस में पॉलिटिकल सेंस में राइट दिस इज अ पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल फिलॉसफी, जहां पे, जहां पे एक फॉरेन कंट्री जैसे कि हमारे केस में हो गया ब्रिटेन एक फॉरेन कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल कर रही है राइट right, रूल कर रही है देश इसका नहीं है बट फिर भी ये रूल कर रही है तो ऐसा प्रोसेस अगर क्रिएट हो रहा है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा कि हाँ वो इंपीरियल पावर है अंग्रेज कैसे हैं ब्रिटेन कैसा है ब्रिटिश इंपीरियल है राइट बट बट अगर इसी चीज को दूसरे एंगल से देखा जाए और कहा जाए कि सर कोलोनियलिज्म भी तो यही होता है कॉलोनियल है कॉलोनियलिज्म right, है ना कि भाई हम उनकी कॉलोनी है उन्होंने हमारा कॉलोनी क्रिएट किया हुआ है ये बात भी सही है बट कॉलोनी में जो एंगल है ना कॉलोनी में एंगल जो है दूसरा है एंगल सेंस दूसरा है कॉलोनी की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कंट्री है इस कंट्री की पॉलिटी इस कंट्री की सोसाइटी इस कंट्री की इकॉनमी राइट सब कुछ हमको सब सर्वियंट बनाना है कहने का मतलब सब कुछ हमको ऐसा बना देना है कि इस देश को ग्रो करने में हेल्प करे इस देश के एक्सपेंशन में ग्रोथ में हर तरह की ग्रोथ में ये जो कंट्री है ये सेकेंडरी हो जाएगी इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि यहां से पैसा आएगा इनके पास होगा इनके पास जाएगा तो वो मे बी पैसे का फ्लो हो सकता है रिसोर्सेज का फ्लो हो सकता है और उसके लिए उनको जो करना पड़ेगा उनके लिए पॉलिटी मॉडिफाई करना पड़ेगा पॉलिटी मॉडिफाई कर देंगे उसके लिए उनकी इकोनॉमी मॉडिफाई करनी पड़ेगी इकोनॉमी मॉडिफाई कर देंगे उसके लिए सोसाइटी मॉडिफाई करनी पड़ेगी सोसाइटी मॉडिफाई कर देंगे राइट है ना कि कल्चरली भी अगर आपको सिखाना हो जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया अंग्रेज़ों ने इंग्लिश जो है यू नो बड़ी इंपॉर्टेंट बना दी राइट वो जो इंग्लिश वाला कल्चर जो इंग्लिश एजुकेशन जो आई वो आज भी चली आ रही है राइट वो लीगेसी आज भी चली आ रही है वो थॉट प्रोसेस आज भी चला आ रहा है

यहां पे आगे है कि हाँ सब कुछ कंट्री का सब कुछ ऐसा बना दो कि तुम इससे मैक्सिमम एक्सप्लोइटेशन या मैक्सिमम फायदा उठा पाओ डेट इज कॉलोनिज्म अभी जो हम गेम जो हम कॉन्केस्ट कह रहे हैं दिस दिस इज इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉपर कॉन्केस्ट या कॉन्केस्ट एक्चुअली बहुत छोटी सी बात कह दी हमने कॉन्केस्ट बल्कि कॉन्केस्ट हमें समझ रहे या जो हम बात भी आज करेंगे ये एक्चुअली पॉलिटिकल कॉन्केस्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं Right. But, जो की हम बात करनी चाहिए सोसाइटी कि कि किस तरह इकॉनमी और किस तरह और को इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो, है, जो टॉपिक है, है हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो लिमिटेड है पॉलिटी पे राइट है ना कभी सोसाइटी पढ़ेंगे इकॉनॉमी पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि हाँ जो पॉलिसीज है उनकी क्या है बट आज जो हमारा डिस्कशन है डेफिनेटली हम कॉलोनी बनने जा रहे हैं डेफिनेटली हम सब सर्वियंट हो जाएंगे डेफिनेटली हमारा सब कुछ उनको सपोर्ट करेगा बट आज डिस्कशन है कि मराठे किस तरह हारे बंगाल किस तरह हारा अवध किस तरह हारा ये हमारा आज का मेन का मुद्द, मेन मुद्दा है आई होप यू गॉट दिस पॉइंट चलिए अच्छा बाई देवे कभी कोई जो है गलत आदमी ये नहीं कहता कि जो है मैं चोर हूँ है ना कभी ये नहीं कहता कि हाँ मेरी गलती है राइट right, है ना इनफैक्ट अगर किसी से कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वो तरह के क्या बोलेगा एकदम से नींद आ गई थी ये नहीं बोल रहा कि मेरी गलती है राइट वो कहेगा एकदम से आंख लग गई थी है ना तो जनरली यहां भी तुम देखोगे परस्पेक्टिव अगर तुम देखोगे तो इनका परस्पेक्टिव भी कुछ ऐसा ही है दे आर क्रिएटिंग कॉलोनीज कॉलोनियल माइंड सेट है इनका बट ये उसको छुपाने की कोशिश करेंगे कहेंगे वाइट मैं राइट कि हम सिविलाइज होंगे दुनिया को सिविलाइज करने निकले हुए इस तरह की बातें हमें यहाँ पे सुनने को मिलेगी तो उनका जस्टिफिकेशन हमको बहुत सारा इस तरीके का सुनने को मिलेगा उनके परस्पेक्टिव सुनने को मिलेंगे वाइट मैंस बर्डन अभी रिसेंटली एक और वीडियो मैंने बनाया था विद रिस्पेक्ट टू तो अप्रोचेस टू तो मॉडर्न इंडिया राइट तो जहाँ पे ये वाइट मैंस बर्डन उनकी सुप्रियरिटी राइट right, है ना सोशल डार्विनिज्म ये सारी हमने बात करी है तो रिसेंटली आई स्टार्टेड द स्पेक्ट्रम समरी जो लोग भी मॉर्डन इंडिया कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं दे कैन रेफर टू स्पेक्ट्रम समरी है ना तो ग्रेजुअली विद इन वन मंथ और वन एंड हाफ मंथ हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे

ये तो जो हमारा जो पूरा गुलामी हो रही है ये जो ब्रिटिश कॉन्केस्ट हो रहा है कोई कहेगा एक्सीडेंटल है है ना तो एक जॉन सीवी करके हिस्टोरियन है कह रहे गलती से हो गया साहब हम प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे थे हम कोशिश ही नहीं कर रहे थे गलती से हो गया राइट है ना अब ये भी व्यू है कि हाँ भाई गलती से हो गया कुछ हिस्टोरियंस का व्यू है कि नहीं नहीं प्योरली इंटेंशनल है ना जन्म हजार साल पहले ही डिसाइड हो गया था कि नहीं नहीं हम तो एक दिन कॉलोनी बनाएंगे ये दोनों ही बहुत एग्जाजरेटेड व्यू है अब मैं इस डिस्कशन में अभी नहीं जा रहा बट ये दोनों ही बहुत एग्जागरेटेड एग्जाजरेटेड व्यूज़ हैं और जैसे जैसे अभी हम लोग डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे यू विल रियलाइज कि ऐसा पहले दिन नहीं कहा जा सकता था कि हाँ वो हमें कॉलोनी बनाना चाहते थे ग्रेजुअली उन्हें जैसा जैसा मौका मिलता गया वो उसको इम्प्रोवाइज करते गए उनको लगा कि हाँ इसको यहाँ से पोक पोक कर देंगे तो यू नो ये राज्य भी अपने कंट्रोल में आ जाएगा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा तो हम यहां भी मार्केट बना पाएंगे यहाँ के भी रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे यहां के भी स्पाइसिस ट्रेड वगैरह यूज कर पाएंगे तो धीरे धीरे यू नो प्रॉपर ग्रोथ हुई है ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही क्लैरिटी थी कि हमको कॉलोनी बनानी है तो ये दोनों ही व्यू की वो हमारे देश में आए ही थे कि एक दिन कॉलोनी बनानी है ये भी व्यू एग्जैजरेटेड है और ये भी कहना कि नहीं ऐसा कोई कभी इंटेंशन ही नहीं था गलती से ही हो गया ये भी एक्जेजरेशन है राइट वी शुड डेफिनेटली से कि हाँ देर कोर्स करेक्शन देर वॉज देर वॉज यू कैन से जो है स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस ये बेटर है राइट right. अब पूरे प्रोसेस अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं खुद रियलाइज होगा कि इंटेंशनल एकदम से कह देना गलत होगा ओके बाई दे जो है आप लोग काफी सारी बातें लिख रहे हैं है ना और जो है डाउट डिस्कशन क्लास के एंड में आई ट्राई की कुछ डाउट आपका बच रहा है तो मैं ले लू राइट right. अभी फोकस करूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ जो है हम बात करने लगेंगे तो फिर हम जो आज कंप्लीट करने आए हैं वो कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा बड़ा टॉपिक है राइट लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट राइट लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट ये पढ़ो और इससे काफी आउटपुट निकालने की कोशिश करो है ना आइए बात शुरू करते हैं चलिए तो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ जो है ये दोनों ही ओपिनियन एग्जाजरेटेड है तो कहानी शुरू करते हैं बंगाल से अब तो बंगाल पे आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड राइट right. थोड़ा सा बैकग्राउंड बात करते हैं तो रफली अराउंड 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था बहुत ही पीछे चले गए बट फिर भी ठीक है 1600 हमको चार्टर मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1609 जीरो समवेयर आते हैं कैप्टन हॉकिस कैप्टन हॉकिस है Captain Hawkins. Captain Hawkins. ना ये पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं ध्यान से सुनो तो कैप्टन हॉकिस आते हैं कैप्टन हॉकिंस इंडिया में चाहते हैं कि भाई एक फैक्ट्री मुझे सेटअप कर देने दो अब एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए 1609 में एग्जिस्ट करते हैं मुगल एम्पर जहांगीर जहांगीर के पास जाते हैं अपनी दरख्वास्त के कि सर जो है एक फैक्ट्री हमको सेटअप कर देने दीजिए अब जहांगीर यहां पे बहुत मदद उनकी कर नहीं पाते फाइनली सिक्सटीन में एक दूसरी पावर को ये लोग हराते ओहो सॉरी oh, 1612 में ये लोग पोर्चुगीज को हरा देते हैं राइट है ना एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आप पढ़ेंगे तो ये बात समझेंगे अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ इंग्लिश की बात कर रहा हूं इंग्लिश कंपनी की बात कर रहा हूं तो कहने का मतलब इनिशियल जो दौर है लेट से 1625 तक मान लो इनका क्या है फिगर आउट करना है कि हाँ थोड़ा सा कुछ पैर रखने की जगह मिल जाए 1630s में 1630s में इनको गोलकोंडा मिल जाता है गोलकोंडा में राज कर पाते हैं नॉट राज गोलकोंडा में ट्रेड करने को मौका मिल जाता है और 1630s में ही इनको मिल जाता है मद्रास कहने का मतलब नाउ अब तक क्या था कि इनके पास कुछ फैक्ट्री थी जैसे सूरत जैसे मसूरी पटना। ये इनिशियल दौर की फैक्ट्री है राइट right. अब इनको और ट्रेड करने को मौका मिला 1630s में इनको मिल गया मद्रास यहां पे इन्होंने अपना फोर्ट बना दिया तो एक ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मद्रास स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट हो गया दूसरा स्ट्रॉन्ग होल्ड सिक्सटीन में कौन सा मिल गया बॉम्बे 1660 समवेयर इनके हाथ बॉम्बे लग गया ये दूसरी प्रेसिडेंसी क्रिएट हो गई ये भी एक प्रेसिडेंसी है स्ट्रांग फोर्ट मिल गया इनको एक छोटी-छोटी फैक्ट्रीज और भी हैं बट तीन बड़ी फैक्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं तीसरी बड़ी फैक्ट्री इनको हाथ लगी रफली 1700 पे 1690 समवेयर और इनके हाथ लग गया कलकत्ता तो 1700 तक आते आते उनके पास ये तीन स्ट्रॉन्ग होल्ड एग्जिस्ट करते हैं एक कैलकाटा एक मद्रास और एक बॉम्बे यहां तक बात समझे है ना अब वो पोर्चुज को कहां से आए कैसे हराए समथिंग ये आज का मुद्दा नहीं है ठीक है इस पर फोकस करो कि सत्रह तक आते आते इनके पास ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है ये लोग बिजनेस करने आए हैं दिस इज अ प्राइवेट कंपनी जो यहां से अपना सामान लेकर यहां से अपना सामान लेकर यहां से अपना सामान लेकर ले ट्रेड कर रहे हैं ये मुद्दा है इनका है ना ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें इनका जो है अभी मुद्दा यहां पे है नहीं ऐसा कोई इंटेंशन यहां पे है नहीं राइट right. 1712 में राइट right. 1712 में 1717 17 में समवेयर उनको एक फरमान भी मिल जाएगा प्लस अगर कुछ और बातें मैं लिखना चाहूं इसमें तो दे हैव गुड एक्सेस जैसा कि हमने कहा कि गोलकुंडा में उनका एक्सेस अच्छा है राइट इवन मुगल्स के साथ जो है अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो रहा है तो देखो कोई झगड़ा नहीं है सब ठीक चल रहा है सब सही चल रहा है बिजनेस करने आए हैं बिजनेस कर रहे हैं अगेन वापस आते हैं तो हमने समझा कि सत्रह सौ तक ये लोग बिजनेस ही करने आए हैं कोई दिक्कत नहीं है ट्रेडिंग चल रही है सत्रह सौ में इनको बंगाल भी कैलकाता भी एक सेंटर मिल गया अब ये लोग तो जनरली क्या करते थे फोर्ट फोर्टिफिकेशन कर लेते थे किसी भी सेंटर पे जिसे बोलते थे फैक्ट्री क्यों क्यों कि कैलकटा में एक फैक्ट्री सेट फैक्ट्री सेटअप कर दी उसका किला बना दिया बॉम्बे में एक फैक्ट्री सेटअप कर दी उसका किला बना दिया गोलकोंडा में एक फैक्ट्री सेटअप कर दी उसका किला बना दिया सो so सो so उनको अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल सके पास है। पास उनको प्रोटेक्शन मिल सके दैट वॉज द होल इंटेंट तो सत्रह तक हमें ठीक ही दिख रहा है इनफैक्ट सत्रह सत्रह में जो आप कह रहे हो कि हाँ फरमान बिल्कुल सही सत्रह सत्रह में फिर मुगल्स के पास जाएंगे फारुख सियार इनको एक और फरमान देंगे ये भी क्या इंटेंशन दिखा रहा है कि भाई ये भी इंटेंशन दिखा रहा है कि हाँ भाई उनको कुछ प्रिविलेज चाहिए उनको ड्यूटी में कुछ राहत चाहिए वो चाहते हैं कि हमारा ट्रेड जो चल रहा है बिजनेस चल रहा है बढ़िया चलता रहे मुगल हमारे साथ रहे तो ये भी बढ़िया चल रहा है तो सत्रह सौ सत्रह तक एवरीथिंग इज फाइन नाउ नाउ इसके बाद क्या होता है यहां पर एक और गेम क्रिएट होता है अब आते हैं सत्रह सौ सत्रह सात लिखते हैं मॉडर्न की बात कर रहे हैं आप तो सेवनटीन ट्वेंटी के बाद कहना चाहो या बेसिकली सही होगा कि सेवनटीन फोर्टीज से सेवनटीन सिक्सटी थ्री इनकी लड़ाई हो जाती है फ्रांस के साथ थोड़ा तो समझने की कोशिश करो है ना एक और बात कह देता हूँ इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली इंग्लिश है यहाँ पे पोर्चुगीज़ भी बिजनेस करना चाहते हैं जो कि अब मैटर नहीं करते डच भी बिजनेस करना चाहते हैं जो कि मैटर नहीं करते क्यों क्योंकि इंडोनेशिया चले गए इंग्लिश की तो कहानी पढ़ ही रहे हो और एक और प्लेयर है फ्रांस फ्रेंच कंपनी भी है फ्रेंच ही लिख देते हैं फ्रेंच तो पोर्चुगीज़ पहले ही हार चुके हैं 1612 में ही हरा दिया तो ये खत्म हो गया पॉर्चुगीज गेम में नहीं है डच इंडोनेशिया चले गए ये भी गेम में नहीं है खाली गेम में यही दोनों थे तो ये जो माहौल है 1740 टू इस माहौल में या तो फ्रांस आगे जाएगा यहां से या तो अंग्रेज आगे जाएंगे दिस इज योर एंग्लो फ्रेंच राइवलरी राइट इस बीच में तीन लड़ाइयां हैं दिस इज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी राइट right. और यहां से अब एक ही आगे जाने वाला है हमारे लिए जो है हम आज इस मुद्दे में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी डिस्कस नहीं कर रहे जब हम कभी जो है यू नो you know, ये कंपनीज डिस्कस करेंगे तब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी डिस्कस करेंगे राइट right. तो यहां पे अगर हम देखें तो ये एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में ये लड़ाइयां हो रही हैं कार्नाटिक पे नाउ व्हाट इज कार्नाटिक इज मद्रास वाला एरिया दिस एरिया इज कार्नाटिक, तो ये झगड़ा यहां पे हो रहा है इन्हें कार्नाटिक वॉर्स कहते हैं कार्नाटिक वॉर्स में फ्रांस कायदे से किनारे हो जाता है राइट फ्रांस कायदे से किनारे हो जाता है और अब अब गेम में सिर्फ और सिर्फ यहां से रह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ बिफोर वी गो हैड एक छोटी सी बात और कि नाउ बाय द एंड दिस वॉर हैपेंड वॉर में इनका अच्छा खासा कर्नाटिक एरिया में इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस क्रिएट हो चुका है यहां पे हैदराबाद है हैदराबाद में इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस क्रिएट हो चुका है ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया मैंने राइट right, है ना इतना थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो क्योंकि ये बैकग्राउंड है बैकग्राउंड का बैकग्राउंड बताएंगे तो फिर कहानी यहीं तक खिंची रहेगी राइट right, है ना सो फोकस ऑन दिस ट्राई अब्जोर्बिंग दिस कि हम लोग अभी सेवनटीन फिफ्टीज पे समवेयर खड़े हैं राइट है ना यहाँ पे समवेयर खड़े हैं एंड वी आर गोइंग टू टेक अप राइज ऑफ़ ईस्ट इंडिया कंपनी बात समय आ रही है राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सेवनटीन फिफ्टीज के पहले आपकी सारी प्राइवेट कंपनीज किनारे हो चुकी हैं अब यहाँ पे कोई खास मैटर कोई करेगा नहीं 1750s के बाद की कहानी हम टेकअप करने जा रहे हैं जो कि कहानी शुरू होती है बंगाल से राइट नाउ वी कैन गो टू बंगाल है ना अगेन जो है बैकग्राउंड uh, था ये यहाँ पे समझो या yeah. तो यहाँ पे ये समझो कि जो है मैटर uh, क्या कर रहा है मैटर ये कर रहा है कि नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी विल नॉट चैलेंज बाय एनी प्राइवेट कंपनी कोई और प्राइवेट कंपनी चैलेंज नहीं करेगी एंड नाउ लड़ाई शुरू हो रही है एक एक करके एक एक करके स्टेट्स के साथ यहाँ पे लड़ाई शुरू होने जा रही है तो 1750 की कहानी 1750 से हम लगभग लगभग कहानी शुरू करेंगे और जो पहला शिकार होने वाला है वो है बंगाल तो यहाँ से कहानी शुरू करते हैं तो दिस, दिस कैलकाटा है ये रहा कोलकाता है ना प्लासी काफी दूर है कोलकाता से चलिए तो नाउ तो कोलकाता की कहानी समझते हैं बंगाल की कहानी समझते हैं अब जरा ध्यान से सुनो यहां से मेन मुद्दे पे मेन कहानी पे आ रहे है ओके सो तो बंगाल में उस समय नवाब थे आपके सिराजुद्दौला सेवनटीन फिफ्टी बन जाते हैं वो नवाब ना सत्रह छप्पन में जब वो नवाब बनते हैं तो उनका जो जो पोजीशन है इट इज नॉट अ वेरी स्टेबल किंगडम नॉट एट ऑल अ वेरी स्टेबल किंगडम राइट हमने ऑलरेडी क्या समझा कि यहाँ पे यहाँ पे इस एरिया में जैसे कलकत्ता हो गया यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिश हैं यहाँ पे ब्रिटिश की फैक्ट्री है ऑलरेडी है यहां पे फोर्टिफिकेशन वगैरह कर रखा है इन्होंने दिस इज फोर्ट विलियम राइट तो यहां पे ऑलरेडी फैक्ट्री एग्जिस्ट करती है ना ऐसे दौर में ऐसे दौर में जब सिराजुद्दौला यहां पे जो है बनेंगे क्या बनेंगे आपके नवाब तो सिराजुद्दौला को लोग पसंद बहुत नहीं करते सिराजुद्दौला इज नॉट लाइक्ड बाय स्पेशली हिज नोबल्स हिज जो है यू नो कैपिटलिस्ट क्लास राइट जो बैंकर्स वगैरह हैं वो उनको पसंद नहीं करते हैं यहाँ पे प्लस इंटरनली भी लोग चाहते हैं कि सिराजुद्दौला नवाब ना बने अब उनकी एक चाची हैं राइट घसीटी बेगम वो भी नहीं चाहते उनके कजिन वगैरह हैं चौकत जंग वो लोग भी नहीं चाहते हैं। तो कोई यहाँ पे चाहता नहीं तो सिराजुद्दौला का सपोर्ट सिस्टम बहुत ही घटिया है राइट सपोर्ट सिस्टम बहुत एग्जिस्ट नहीं बहुत अच्छा एग्जिस्ट नहीं करता है पर फिर भी वो नवाब बन गए बैठे अभी ना अब जब वो नवाब बन बैठे तब उसके बाद वो देखते हैं कि यार ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं अंग्रेज उनकी आंखों पे बहुत चुभ रहे थे इट like, बहुत ज्यादा चुप रहे थे क्यों चुप रहे थे कह रहे कि भाई ये बताओ कि ये जो अंग्रेज यहां पर है ये किला क्यों बना रहे तुम एक प्राइवेट कंपनी हो तुम्हें किला बनाने को किसने बोला तुम्हें किला किला जो है यू नो फोर्टिफिकेशन वगैरह करने को किसने बोला तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों भाई फोर्टिफिकेशन नहीं अलाउ करेंगे ऐसे कैसे तुम मेरे राज में फोर्टिफिकेशन कर दोगे दूसरी प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम है दस्तक दस्तक क्या होता है दस्तक तो पहली प्रॉब्लम है फोर्टिफिकेशन और दूसरी प्रॉब्लम है मिसयूज़ ऑफ दस्तक मिसयूज़ ऑफ दस्तक राइट तो अभी हमने बात करी थी कि फारूक सियार ने एक फरमान दिया था फारूक सियार फरमान क्या दिया था फरमान ये दिया था कि आप तीन हजार रुपया दीजिए तीन हजार रुपया और उसके बाद ड्यूटी फ्री हो जाएगा आपके लिए लेमेंट टर्म्स में अगर समझो तो राइट right, कि लमसम आप तीन हजार रुपया हमको पे कर दीजिए साल भर के लिए और उसके बाद आपको जितना भी सामान लाना ले जाना हो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा इनको जो है दस्त इनको प्रिवलेज दी गई थी ट्रेड प्रिवलेज दी गई थी है ना कि भाई आप लमसम पे कर दीजिए क्यों हम बार बार सामान गिने कितना है कितना नहीं है समथिंग लमसम तीन हजार पे कर दो इन्होंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया तीन पे हो गया बट इसके लिए इस चीज को अप्लाई करने के लिए एक दस्तक इश्यू करने का राइट दिया गया दस्तक कि आपका कोई अथॉरिटी साइन कर देगा पेपर के ऊपर दस्तखत तो दस्तखत बन जाएगा दस्तक बन जाएगा वो बन जाएगा पास तो आप जितनी बार आओगे जाओगे आप क्या करो खाली अपना पास दिखा दो राइट और आओ जाओ कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा आप सिर्फ एक बार लमसम तीन हजार रुपया पे कर दो बहुत बढ़िया अब ये जो दस्तक ये जो बेसिकली प्रोविजन है कंपनी के ट्रेड के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश कंपनी को जो भी ट्रेड करना है उसके लिए लागू होता है यह कंपनी के ऑफिशियल्स के लिए लागू नहीं होता प्राइवेट ट्रेड के लिए लागू नहीं होता अब क्या है कि कंपनी ने अपने ऑफिसर्स को प्राइवेट ट्रेड की छूट दे रखी थी कि हाँ आप लोग ट्रेड करना चाहें खुद का अपना पर्सनल ट्रेड करना चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं इस तरह की इन्होंने छूट दे रखी थी नाउ अब ये जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं ये बहुत करप्ट है ये क्या कह रहे हैं ये अपना पास रखे हुए हैं और अपना सामान जब लाता है तो भी पास दिखा देते हैं तो दिस इज बेसिकली मिस यूज राइट दिस इज बेसिकली मिस यूज ऑफ द समझ आ रही है राइट दिस इज मिस यूज ऑफ दस्तक प्राइवेट ट्रेड पे इनको पैसा देना चाहिए था जो ऑफिशियल्स अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं उसमें इनको पैसा देना चाहिए था वो भी नहीं दे रहे कई बार ऐसा भी हो रहा है कि हाँ जो है यू you नो know, कोई इनका इंडियन दोस्त है उसको भी जो है दस्तक बेचे दे रहे हैं कि हाँ तुम्हारा हमारा ही सामान है कोई बात नहीं सब कंपनी के नाम इससे क्या होता है इससे जो कंपनी इससे जो बंगाल को जो रेवेन्यू आना था बंगाल को जो ड्यूटी मिलनी थी वो उसका नुकसान हो रहा है गलत हो रहा है तो ये सब बातें इस राजू डॉलर को खटा हैं प्लस एक फ्यूजिटिव हैं जो है कृष्ण दास राइट उनको भी सपोर्ट कर दिया है तो अब वो एकदम आग बबूला हो गए कि अरे ऐसे कैसे मैं तो अटैक करूंगा कासिम बाजार पर अटैक किया कैलकाटा में चले गए है ना पकड़ लिया सबको नाउ जब कैलकाटा कैप्चर कर लिया इन्होंने तो उसके बाद है ना ये वापस आ गए और वहां पे गलती से जो वहां पे जो जो फोर्ट का जो जो है आ, ये समझिए चौकीदार है जो हेड है वो क्या करेगा वो जो अंग्रेज पकड़े गए हैं यहाँ पे उनको उनको बंद कर देगा एक रूम में राइट right, उनको उनको एक रूम में बंद कर देगा अब ये क्या हो रहा है जून है काफी गर्मी है अब इनको एक कोठरी में काल कोठरी टाइप में बंद कर दिया गया है डेढ़ सौ आपके अंग्रेज हैं और ये इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे राइट right. होगा क्या जब सुबह दरवाजा खोला जाएगा तो कुछ बीस पच्चीस लोग ही बच रहे हैं ऐसा कोई नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो बीस पच्चीस लोग ही यहाँ पे जीवित बच रहे हैं तो दिस इज एज ब्लैक होल एपिसोड अब ये किस पे फटेगा ये सिराजु दौला पे फटेगा पूरा बिल कि भाई ये क्या कर दिया आपने ऐसे कैसे कर दिया हमारे इतने अंग्रेज मार दिए राइट है ना सौ अंग्रेज से ज्यादा आपने यहां पे हमारे मार दिए आपकी गलती है ये वो अब थोड़ा सा सिराजी दौला भी बैकफुट पे आ गए कि अरे ये क्या हो गया ये तो मैं करना भी नहीं चाहता था समथिंग है ना अब ये जो ब्लैक होल एपिसोड है ये अंग्रेजों ने इज्जत पे ले लिया है ना ना सेम पॉइंट पे सेम पॉइंट पे यहां आपके कर्नाटक मद्रास में मद्रास में अभी जल्द ही ये लोग जीते हैं राइट मद्रास में अभी अभी फ्रेंच से हारे अभी फ्रेंच से जीते अभी बताया था कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी क्या हो गया था कार्नाटिक वॉर्स तो ये कार्नाटिक वाले एरिया में अंग्रेज ऑलरेडी जीत के बैठे हुए हैं ऐसे में यहां पे यहां से खबर आई क्या खबर आई ब्लैक होल एपिसोड कैसा कर दिया है भाई बड़ा जुलुम कर दिया है तो इन डैट केस डैट केस जो है यहां पर डिसाइड हुआ कि हम इसका बदला लेंगे है ना हिसाब लिया जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव आते हैं लैंड रूट से रॉबर्ट क्लाइव और इधर से वॉटसन आते हैं सी रूट से वापस अटैक करते हैं सिराज जो दौला भी हाथ खड़े कर देता है कि भाई ये क्या हो गया तो मैंने सोचा ही नहीं था पास समझ आ रही है पास समझ आ रही राइट तो जो है ये ये यहाँ पे जो है यू नो ट्रीटी ऑफ अली नगर आ जाती है सिराज उद्दाला भी हाथ जोड़ देते हैं कहते सर कहा साइन करना है गलती हो गई राइट हम भी क्यों ही बढ़ रहे हैं तो ट्रीटी ऑफ अली नगर ये लोग आपस में साइन कर लेते हैं बट अब रॉबर्ट अभी अभी लड़ाई प्रॉपर हुई नहीं है राइट ट्रीटी ऑफ अली नगर साइन हो गई विच इज मोर लाइक अ पीस ट्रीटी जहाँ पे, पे सिराज उद्दाला बैक फुट पर चले गए है ना दिसन फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पे सिराज उद्दौला बैक फुट पर चले गए हैं कह रहे भाई गलती हो गई है ना कोई बात नहीं जो करना है करो है ना करते रहो सब ठीक है ऐसे करके हो गया बट बट ट क्राइव ऑफ द व्यू कि भाई ये आदमी दोबारा पलट सकता है मुझे और ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए बंगाल में इनफैक्ट बंगाल अगर समझो तो बंगाल वॉज द एरिया जो सिक्सटी परसेंट ऑफ द ट्रेड ऑफ एशिया प्रोवाइड करता था तो दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड इसका हिंटरलैंड समझो कि जो पूरा सामान ये जा रहा है पूरा जो है यह पूरा इंटरलैंड ग्लेन इसका है यहां भर का यहां सारे जगह का सामान यहां से ट्रेड हो रहा है तो गांधीटिक जो प्लेन है वो उसका इंटरलैंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये जगह ऐसे जो है राजला के हाथ में नहीं छोड़ी जा सकती तो यहां पे रॉबर्ट क्लाइव को लगता है कि नहीं यार इसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा है ना ऐसे तो नहीं छोड़ सकते प्लस जो है थोड़ा डर भी रहे लड़ना भी नहीं चाहते तो ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं रॉबर्ट क्लाइव करते हैं षड्यंत्र राइट ऐसे में षड्यंत्र होता है तो षड्यंत्र क्या करते हैं देखते हैं कि सराज दौला के जो आसपास के लोग हैं इनको सपोर्ट नहीं करते जो कैपिटलिस्ट है सपोर्ट नहीं करते तो मीर जाफर हैं राय दुर्लभ हैं जगत सेठ हैं ओमनी चंद है, है राइट इनको बुलाएंगे कैंप में डिस्कशन होगा कहेंगे भाई आप लोगों का भी फायदा होगा है ना भाई जो है यू नो कद्दू कटेगा सब में बटेगा ऐसी बात होने लगी यहाँ पे है ना कि भाई आप लोगों का भी फायदा होगा नुक्स ये जो अभी हम लूटेंगे ये सबके लिए प्रॉफिटेबल होगा और मीर जाफर अगर तुम समझो मीर जाफर ये जो आदमी है मीर जाफर उसका मीर बख्शी है मीर बख्शी है मीर बख्शी क्या होता है मीर बख्शी इज हेड ऑफ नोबिलिटी पूरी आर्मी उसके अंडर है अब तुमने आर्मी के हेड को ही अपने साथ मिला लिया है तो बचा ही क्या है गेम में गेम ही खत्म हो चुका है तो मीर जाफर को वादा कर दिया कि भाई अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुम्हें नवाब बनाऊंगा अब मीर जाफर की आंखों में पानी आ गया क्या ऐसा नवाब ऐसा तो मैंने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था है ना तो भाई बिल्कुल है ना बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं जहाँ का हो विद विद रॉबर्ट करेंगे ना? तो नाव, तो नाव with, uh, with और एक झूठी झाठी लड़ाई होती है है ना तो अब सिराजुद्दौला एक तरफ मीर जाफर मीर बख्शी है एक्चुअली मीर बख्शी पोस्ट होती है मीर जाफर नाम है ये पोस्ट है कि जो हेड ऑफ नोबिलिटी होता है सारे मनसबदार जिसको सपोर्ट कर रहे होते हैं वो होता है मीर मीर बख्शी तो मीर मीर बख्शी मीर बख्शी ऑलरेडी इनके साथ मिल चुका है अब ये जो खेल है, जो लड़ाई है ये सिर्फ खेल है एक्चुअली कोई लड़ाई हो नहीं रही है तो बैटल जो होगी सत्रह बैटल ऑफ लासी जब तक जब तक सिराजुद्दौला फील्ड पे रहेंगे तब तक उनको दिखाने के लिए है ना अस 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 टन टन लड़ाई हो रही है राइट लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला को थोड़ा समझाया जाएगा कि बड़ा डेंजर है यहाँ पे आप पीछे जाओ जैसे ही ये खत्म हुआ वैसे ही जो है सब लोग हाथ मिला लेंगे कि हाँ सर आप ही कहा तो है जीत गए जीत गए है ना हमारे भैया कैसे हो रॉबर्ट क्लाइव जैसे हो तो ऐसा पूरा यू नो सारा लोग गले मिलने लग जाएंगे एंड देन सिराज उद्दौला को असासिनेट भी कर देंगे ऑफ कोर्स वो जीवित रहेगा तो ये काम नहीं करने देगा एंड सिराजुद्दौला विल बी किल्ड बाय हिज सन बाय द सन ऑफ मीर जाफर मीरान राइट right? और अब मीर जाफर बन चुके हैं नवाब आशारी मीर जाफ़र अब नवाब बन चुके हैं मीर जाफर ने मैंने कहा ना सपने में कभी नहीं सोचा था कि वो नवाब बनेगा अब जब वो नवाब बने हैं मीर जाफ़र यहाँ पे तो ही जय कि हाँ भाई उनका खुदा तो कौन है इस समय के लिए उनका खुदा है रॉबर्ट क्राइव कि भगवान की तरफ प्रकट हुआ है रॉबर्ट क्राइव उसने उनको जो है यहाँ पे यू नो नवाब बना दिया है वरना वो बेचारा मीर बख्शी बना हुआ था तो ही वो लाइक कि सर बताओ कितना पैसा देना है कहाँ कहाँ रख दूँ कहाँ आपका नाम लिख दूँ जायदाद नाम कर दूँ मैं आपके इस तरह का ओवरऑल बिहेवियर है कि वॉर इंडिटी दे लो कि आपका जो भी नुकसान हुआ है हम भरपाई करेंगे है ना ये 24 फोर परगनाज की जिम्मेदारी ले लो है ना ऐसी तिजोरी खोल देगा कि चार लाख रुपए रॉबर्ट क्राइव को कैश दे देगा तो भर भर के पैसा बटेगा यहाँ पे क्योंकि अभी क्या है अभी पैसा उसका नहीं था पैसा सिराजुदौला का था अभी उसको ये फीलिंग नहीं आ रही कि तो मैं अपना ही पैसा जुटा रहा हूँ बात समझ आ रही है ना उसको ये नहीं पता चल रहा है कि अभी तो अपना ही पैसा जुटा रहा हूँ बट अब उसे रियलाइज होगा कि ये मेरा ही पैसा है ओके बट बट बैटल ऑफ प्लासी एक बड़ी विक्ट्री है बिकॉज अब अब जो है जैसा कि हमने समझा कि बंगाल स्ट्रॉन्ग बहुत है राइट right? बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू यू नो इकॉनमी विद रिस्पेक्ट टू कॉमर्स ये वाकई बहुत मायने रखता है तो बंगाल को अपने हाथ में लेना इज़ डेफिनेटली अ गेम चेंजर राइट इनको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया तो काफ़ी सिग्निफिकेंस है इस होल बैटल ऑफ प्लासी की दो या एक्चुअल बैटल नहीं है बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है तुम कह सकते हो कि हां भाई पहली बात तो भाई ब्रिटिश अंपायर की बेसिकली यहां से शुरुआत हो रही है हमें समझ में आ रहा है कि हाँ इनकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग है पहले भी टी ऑफ अली नगर भारी तो पड़े ही थे पड़े थे राइट है ना प्लस अब फ्रेंच पूरी तरह से यहां से बाहर हो जाएंगे और इसके बाद अभी तीसरी बैटल बाकी है तो वो थर्ड बैटल में पूरी तरह से फ्रेंच भी खत्म हो जाएंगे थर्ड बैटल में प्लस ये खूब सारा रिसोर्सेज भी दे रहा है इनको रिसोर्सेज राइट मनी तो हर तरह से ये जो जीत है इनके लिए खासा प्रॉफिटेबल है ना जैसे कि मैंने कहा कि जमींदारी भी मिल गई है ट्वेंटी फोर परगनास की अब अब जो है आप, आप समझिए कि आपका इतना वर्चस्व है आपके इस बंगाल में कि आप पॉलिसीज अपने हिसाब से चला सकते हैं आपने अपना एक रेजिडेंट बिठा दिया है परमानेंट नवाब के कोर्ट में जो आपके हिसाब से सारी चीजों को फिक्स करेगा राइट सो नाउ द होल गेम हैज चेंज फॉर जो है ब्रिटिशर्स uh, या ईस्ट इंडिया कंपनी कि अब उन्होंने बंगाल जीत लिया है भड़े गलती से जीता धोखे से जीता बट जीत तो लिया है नाउ नाउ वॉट विल हैपन कि अब जब मीर जाफर है ना जब होता है ना कि बाहर आप इलेक्शन रैली में कितने भी बड़े बड़े वादे कर लीजिए बट जब आप एक्चुअल सीट पे बैठते हैं आपको रियलाइज होता है ये मेरा राज्य है ये मेरे लोग हैं ये मैंने क्या ही कर दिया तो मीर जाफर को भी चुभने लगा थोड़ी दिन तो अच्छा लगा नवाब 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 है ना कि सब लोग सैल्यूट मार रहे हैं बट जब वो वाला जो है जो एंथुजियाजम था ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि जो है अरे यार ये गलत हो गया है मैं क्या हो गया हूँ कठपुतली बन चुका हूँ इनके हाथ की और अब वो कोशिश करेगा वो कोशिश करेगा कि एक दूसरी यूरोपियन कंपनी डच डच के ऐसे यू नो गले लगेगा जाके कि प्लीज़ बचा लो तो डच वहीं पास में चिनसूरा करके जगह है उनसे बोलेगा कि हमें बचा लो राइट है ना तो डच की पिटाई भी हो जाएगी जो डच की पिटाई होगी 1759 में दिस इज बैटल ऑफ बेदारा डच का करियर भी इंडिया में खत्म करवा देगा ये बात समझा रही है नाउ ही इज अगेन ट्राइंग कि हाँ कुछ करा जाए कुछ करा जाए किसी तरह से अंग्रेजों से मुक्ति पाई जाए तो अंग्रेज क्या करेंगे इसी से मुक्ति पा जाएंगे तो सत्रह में कहेंगे भैया जो है आप आप एबडिकेट करिए थ्रोन छोड़िए और आपका दामाद है एक मीर कासिम है ना लेट मीर कासिम बिकम नवाब तो उसको हटा के मीर कासिम को बना देंगे नवाब राइट तो अब ये मीर जाफ़र जो पूरा सपना उनका पूरा हुआ था वो टूट भी गया मीर कासिम उन्हीं के पोत उन्हीं के दामाद को बना दिया गया है नवाब बट मीर कासिम पहले से ही देख रहा है कि ससुर जी की क्या हालत है बात समझ आ रही है पहले से ही समझ रहा है कि ससुर जी की हालत तो काफ़ी बुरी है तो उसका प्रिपरेशन भी तुम देखोगे तो उसी तरीके का है वो क्या करेगा वो थोड़ा सा अपनी कैपिटल भी दूर करेगा वो क्या करेगा कि आर्मी सेटअप करेगा कहेगा मॉडर्न लाइन्स पर आर्मी सेटअप करूंगा है ना तो मुगल लाइन्स पे आर्मी सेटअप करेगा यूरोपियन लाइन्स में आर्मी सेटअप करेगा आर्म्स फैक्ट्री लगा देगा तो यू विल रियलाइज कि नाउ ही विल ही इज ट्राइंग टू तो अलाइन द होल मिलिट्री होल पावर कि हाँ मैं कल को अंग्रेजों से लड़कर अंग्रेजों को हरा पाऊं बात समझ आ रही है कोई भी अगर जो है इनकम्पीटेंट है ऐसा लग रहा है कि करप्ट जनरल है अंग्रेजों के साथ जाके मिल जाएगा जैसे जैसे ससुर ने किया था उसको फायर करो निकाल दो राइट है ना अपने जो है सोलह हजार उसमें स्ट्रॉन्ग मुगल स्टाइल कैवलरी मैन वगैरह हायर कर लिए यूरोपियन स्टाइल में कुछ चौबीस पच्चीस हजार लोग हायर कर लिए मैन्युफैक्चर ऑफ गन्स उन्होंने कहां लगा दी मोंगीर में इस तरह से क्या आ सकता है एमसीक्यू आ सकता है कि कहां पे स्टैब्लिश करी है फैक्ट्री मोंगीर में स्टैब्लिश कर दी तो दिस इज हाउ ही ट्राइंग टू री ऑर्गेनाइज एवरीथिंग नाउ अभी अंग्रेजों की नजर में भी आ रहा है कि भाई ये तो री कर रहा है ये देख रहा है कि तुम दस्तक जो है दस्तक का मिस कर रहे हो और उसकी वजह से जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनको फ़र्क पड़ रहा है तो उसने इंटर इंटरनल ड्यूटी ही हटा दी क्या दो हम किसी से टैक्स नहीं देंगे है ना अब आओ अब खेलो तो अब अंग्रेज़ों को बुरा लगेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरा लगेगा कि यार ये तो हमारे जो है यू you नो know, ये तो हमारे हमारे पक्ष में नहीं खेल रहा है तो नाव विल से कि नहीं तुम तुमसे अच्छे तो तुम्हारे ससुर जी थे तो इनको भी निकाल दिया जाएगा मीर कासिम को भी हटा देंगे एंड 1763 में आ जाएंगे मीर जाफर वापस है ना ससुर जी वापस आ जाएंगे नाउ नाउ अब जो है मीर मीर कासिम ऐसा नहीं कि तुम कहो जाओ और वो चला गया है ना उतना आसान गेम नहीं है भाई मीर कासिम का तो मीर कासिमाय नहीं है ना जो है फैजल इसका बदला देगा है ना फैजल हिसाब बराबर करेगा तो ऐसा करके मीर कासिम ने सोचा एंड नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ अवध तो मीर कासिम अब बंगाल से मीर कासिम बगल में ही बंगाल देखा अवध यहीं पे बगल में है और ये था आपका बंगाल मीर कासिम ने कहा कि रुको मैं जाऊंगा कहा अवध आव, आव, के पास जाऊंगा दिस इज बंगाल अच्छा बाई दे वे बंगाल को थोड़ा छोटा नहीं बनाते हैं बंगाल को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं बिकॉज एट दैट टाइम बंगाल हैड बिहार एंड उड़ीसा एज वेल उड़ीसा राइट right, उड़ीसा भी था बंगाल के साथ बिहार जो है बिहार और उड़ीसा भी है अब वो गया अवध के पास अवध में जो है बैठे हैं शुजाउदौला अवध के नवाब नवाब शुजाउदौला नवाब पूजा उदौला और इत्तफाकन यहीं पर यहीं पर मुगल एम्परर जो है शाह आलम तो मुगल भी यहीं बैठा हुआ है शाह आलम शाह आलम भी क्योंकि कैप्टन वो सेफ नहीं फील कर रहे थे तो वो शुजाउद्दौला के पास आके वहीं पे दोनों लोग ताश खेल रहे थे बैठ के है ना सत्र खेल रहे थे ऐसे ही बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे है ना कि यहाँ पे वो सेफ फील करते थे तो वो भी यहीं आके बैठे हुए थे राइट नाउ यू मस्ट नो वन थिंग बिफोर वी गो एट कि जो अवध है अवध अवध इस पॉइंट पे इन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है राइट right? अवध पे ही भरोसा किया जा सकता था है ना तो ये बिल्कुल सही जो है मौका ढूंढा इसमें सही बिल्कुल मूव किया है कि जो मीर कासिम है मीर कासिम मांगने चला गया मदद किस से बिकॉज शुजाउद्दौला हैड दैट पावर अगर शुजाउद्दौला मैदान में उतरेगा तो वो अंग्रेजों को हरा ही देगा डेफिनेटली तो यहाँ पे मीर कासिम पहुंचे जो है शुजाउद्दौला के पास और वहीं शाह आलम भी बैठे हुए हैं है ना तो पहले समझाने की कोशिश करेगी चलो 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 फिर बताया कि फायदा आपका भी होगा इनको याद दिलाया शाह आलम को मुगल्स को कि भाई ये आप ही का राज्य है शायद आप भूल गए टेक्निकली ये सब कुछ मुगल्स का ही राज्य है राइट लेकिन मुगल इतने कमजोर हो गए कि भूल ही गए कि क्या क्या राज्य है तो उनको याद दिलाया कि अरे ये बंगाल तुम्हारा ही राज्य है दोस्त चलो बचाओ राइट तो शाह आलम को याद आया अरे हाँ ये तो अपना ही राज्य है यार मैं तो मुगल हूं मुगल एम्प्रयर हूं मैं वो इतना भागा भागा फिर रहा है कि खुद ही भूल जाता है कि मुगल है तो शाह आलम ऑल्सो सैड कि हाँ ठीक है चलेंगे चलेंगे राइट देन उदौलाट की ठीक है अपना क्या फायदा है? हाँ, अच्छा, है चलो हमें भी कुछ टेरिटरी अगर मिल जाएगी चलो चलते हैं तो शुजाउदौला एग्रीड नाउ शाह आलम कैन नॉट बी ट्रस्टेड बट हाँ फिलहाल गेम में तो शाह आलम भी हैं तो शाह आलम भी हैं नवाब शुजाउदौला भी है और, और आपके मीर कासिम ये तीनों लोग अब चल के अटैक करेंगे लड़ाई होगी कहीं बिहार में बक्सर में बिहार बैटल ऑफ बक्सर तो दिस इज सेकेंड दिस इज बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर राइट दिस इज 1764 तो सत्रह सौ चौसठ बैटल ऑफ बक्सर तो अब अब जो गेम बना यहां पर ना अब जो गेम यहां पे क्रिएट हो रहा है विल सी यू विल सी कि जो है ऐसा लग रहा है कि हाँ कायदे से इन तीनों को हरा देना चाहिए अब दूसरी साइड से आते हैं हेक्टर मुंड्रो मेजर राइट right, तो वर्सेस इन तीनों की लड़ाई मेजर हेक्टर से हो रही है यहाँ पे ना हेक्टर बेसिकली ये जो लड़ाई होगी ये हार जाते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हार जाते हैं ऐसा लगता है कि हाँ नवाब जीत गए जाओ दौला एक्सपेक्ट भी करा था जीत जाएंगे हेक्टर की भी हालत खराब हो जाती है मुंडो है बेसिकली उनकी भी हालत खराब हो जाती है और वो भी रिट्रीट करने लगते हैं और जब वो रिट्रीट करने लगते हैं अगेन ये ये डिटेल हमें जानने की जरूरत नहीं है बस बता दे रहा हूँ है ना ताकि आपका जो है आपको याद रहे बातें तो ना तो जो है हेक्टर रिट्रीट जब करने लगते हैं तो अवध की जो आर्मी है शाहमान की तो कोई आर्मी कौन क्या कर रहा है पता नहीं बट अवध की जो आर्मी है अवध की आर्मी रिलैक्स हो जाती है है ना है ना जो you know, है यू नो कहते हैं पानी पिलाओ थोड़ा मस्ती करते हैं चाय वाय पीते हैं तो वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो मेजर हेक्टर पता नहीं क्यों उन्हें भी नहीं पता क्यों है ना वापस आ जाते हैं और वापस अटैक कर देते हैं तो ये जो जीती हुई बैटल थी बक्सर है ना बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप दे वॉन इस बार वो हैंडल नहीं कर पाते जब फाइनल वो जो है वापस फाइट करते हैं तो यहाँ पे हेक्टर जीत जाते हैं और भारी पड़ते हैं बक्सर पे अवध पे तो अवध वॉज नॉट सपोज नॉट मेंट टू गेट डिफ़ीटेड, बट, बट, राइट बट बट जो है आ, यहां पे ये हार जाएंगे तो मेजर मुंड्रो मेजर मुंड्रो बक्सर पे ये जीत गए और ये हार गए तो आपके सुराउ शुजाउ दौला मीर कासिम शाह आलम एक तरफ और मेजर हेक्टर मुनरो है ना एमजी हेक्टर तो मेजर हेक्टर मुनरो जीत गए नाउ अब देखो सुनने में लगता है कि अरे हाँ जीत गए क्या ही हो गया बट बट तुम समझे नहीं कि ये कितनी बड़ी जीत हासिल हो गई ये बहुत बड़ी जीत है इन द सेंस कि गलती से जो आदमी ठीक से पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है वो हार गया है इसमें आलम हार गया इज मुगल एम्प्रायर ज मुगल एम्पर यानी कायदे से इंडिया का राजा है वो भारत का बादशाह है भारत का बादशाह मजाक मजाक में यहां पे हार चुका है अब ये कहानी बदल गई कि ये क्या हो गया तो सोचा भी नहीं था अंग्रेज भी यू नो बार बार पूछ रहे हैं क्या सही में जीत गए क्या सही में जीत गए क्या नहीं नहीं मजाक करो फिर से बताओ सही में जीत गए तो उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि क्या हाथ लग गया है ये क्या आलम को उठा भी दे गए हो होंगे हाँ ये तो जो है बहुत हमारे कीमती चीज हाथ लग गई शाह आदम को उठा दे गए हो राइट तो जो है मुगल एम्पर यहाँ पे हार चुका है कायदे से भारत के बादशाह को आज तुमने हरा दिया

इनको वापस ढूंढा जाएगा कि कहाँ है रॉबर्ट क्लाइक हमारे इतनी बड़ी जीत हाथ लग गई है कि अब कौन संभालेगा इस जीत को तो ये जीत संभालने के लिए रॉबर्ट क्लाइक को भेजा जाएगा 1765 में कि तुम तो भाग के इंडिया जाओ तुम्हें पता शाह आलम को हरा दिए गलती से ही सही कैसे सही पता नहीं बट हार तो गया है वो तो हमारे हाथ में शाह आलम लग चुका है और इनको डील करने के लिए स्पेशल डील करने के लिए भेजा जाएगा रॉबर्ट क्लाइक को ना रॉबर्ट क्लाइव कमिंग इन इन 1765 सिक्सटी फाइव राइट और ये साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन होगी तो एक्चुअल देखो दो लड़ाइया हुई ठीक है बट गेम पॉइंट या गेम जो है ट्रिगर जो है वो एक्चुअली 1765 का ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो है अगर तुम समझो तो ट्रीटी ऑफ अहाबाद इज द रियल इंपैक्ट या ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद से तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने को मिलेगा राइट है ना तो डेट इज द रीजन की ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद खासा इंपॉर्टेंट है है ना चलिए ओके तो सो so, जो है विल रियलाइज़ समझते हैं टी ऑफ अलाबाद में क्या कर रहा तो इसे मास्टर स्ट्रोक माना जाता है रॉबर्ट ट्राइव का राइट आइए देखते हैं जो है क्या करा इन्होंने ट्री ऑफ अलाबाद में सो so, टी ऑफ अलाहाबाद में एक तो डिस्कशन हुआ है अवध के साथ अवध को बोला गया कि तुम ऐसा करो कि अलाहाबाद एंड कारा ये दे दो किसको ये दे दो शाह आलम को तुमने कहा क्यों बताते हैं थोड़ी देर में शाह आलम को दे दो राइट है ना तो पहली ट्रीटी अगर आप देखिए अवध के साथ तो अलाहाबाद और कारा दे दी जाए शाह आलम को है ना तो जय शाहजाउद ने कहा और बताओ और क्या कर दे तो पचास लाख रुपए दो तुम पैसे पहले तो इतना नुकसान तुमने कराया है ऑलमोस्ट हम लोग हार गए थे पचास लाख रुपया पे करो पचास लाख रुपया कहेगा ठीक है साहब ले लो और बताओ है ना पचास लाख रुपया भी ले लिया इससे प्लस प्लस यहाँ पे कंपनी ने उसके कंधे पे हाथ रखा बोला कि तुम टेंशन मत लो तुम्हारी टेरिटरी हम लोग नहीं लेंगे ठीक है है ना तुम दोस्त हो यार अपने है ना अपने दोस्त आदमी हो तुम कभी तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करेगा कोई भी कभी अटैक करेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे तो पहले तो शुजाउद्दौला को यकीन नहीं हुआ ये कह कह रहे हैं क्या बात कह दी इन्होंने है ना तो कह रहे हैं कि कंपनी कह रही है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम्हारे ऊपर कभी अटैक हुआ तो हम तुम्हारी मदद करेंगे है ना और जो है बस एक चीज रहेगी कि, कि जब हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमारा जो खर्चा होगा उसका पैसा तुम दे देना जाओ दौला ने तुरंत कैलकुलेटर निकाला कैलकुलेट किया बोला हाँ ठीक है कर लेंगे है ना मेक सेंस क्यू मेक सेंस सुजाऊ दौला को क्या लगा कि इस समय एक और गेम हो रहा है मराठाज राइज कर रहे हैं और जगह जगह अटैक कर रहे हैं मराठास मुझ पर भी अटैक करेंगे रेड करेंगे तो मराठास की रेड से बचने के लिए अगर अगर ये दोस्त मेरा बन जाए और तो मुझे सपोर्ट करे अब भले उसके लिए मुझे खर्चा देना पड़े तो क्या ही हो गया यार कम से कम मेरा राज्य तो सेफ रहेगा पैसा मैं दे दूंगा इट्स ओके तो इवन अवध वॉज लाइक वेरी गुड हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी कि हाँ ले जाओ अलाबाद कह रहा है पचास लाख रुपया भी ले जाओ लेकिन तुम हमारी मदद करोगे ये बात यहां पे अवध को जच गई बिल्कुल राइट देन बलवंत नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस चलो शाह आलम टू, so तो टू। जरा इनके साथ क्या हुआ तो तो अवध की ट्रीटी हमने समझ ली शाह हाँ आलम से बोला गया कि दोस्त आपको दे जा, दिया जाता है किलाहाबाद और कारा और आज से तुम अलाहाबाद और कारा में रहोगे मतलब अलाहाबाद में रहोगे कहने का मतलब कहने का मतलब कि नाउ यू आर आर प्रिजनर हाउस अरेस्ट पर रख दिया गया है तुम्हें दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं है राइट तुमको दिल्ली नहीं जाना है तुम अलाहाबाद में रहो बिकॉज तुम बहुत कीमती आदमी हो तुम मुगल एम्पर हो तुम्हें हाथ से जाने ही नहीं देंगे राइट तुम हमारे पास रहोगे तो इसको अलाहाबाद ने बिठा दिया है इसीलिए अलाबाद दिया था अलाहाबाद उसने कहा मैं राजा आदमी हूं क्या रूल करूंगा कहेगा अलाहाबाद रूल करोगे ऑब्वियसली तो अलाहाबाद और कारा पर तुम रूल करोगे यहीं पे बैठ के खुश रहो यही रूल करो तुम बैठ के तो कायदे से शाह आलम को वहीं बिठा दिया कहीं जाना नहीं दिल्ली विल्ली तुमको दिल्ली आगरा कहीं नहीं जाना हुआ नाओ नाओ आ, प्लस इनसे एक और बात इन्होंने मांगी इन्होंने कहा कि भाई हमको ना हमको इस एरिया का सुनना ये बात हमको बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी राइट चाहिए बात आ रही है कि बंगाल बिहार ओडिशा का हमको दीवानी राइट चाहिए अब आप कहेंगे दीवाना बने आशिक बने हमें क्या ही करना है इस बात से है ना लेकिन नहीं नहीं ये दूसरा दीवाना है राइट right. तो ये जो दीवानी राइट ये मांग रहे हैं दीवानी किसी भी प्रोविंस में दो तरीके के राइट होते हैं या दो तरह के फंक्शन होते हैं एक होता है दीवानी और दूसरा होता है निजामत निजामत मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर राइट और दीवानी मतलब होता है रेवेन्यू राइट समझे क्या मांग लिया इन्होंने पैसा मांग लिया कि हमें इस एरिया का रेवेन्यू राइट दे दो इस एरिया का जो भी पैसा इकट्ठा होगा अब वो हमारा हुआ पहली बार पहली बार सिग्निफिकेंट समझो इस बात की पहली बार दे आर टॉकिंग अबाउट टेरिटोरियल रेवेन्यू अब तक जो पैसा इनके पास आता था वो ट्रेड वाला रेवेन्यू था बट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट टेरिटोरियल रेवेन्यू दे आर टॉकिंग अबाउट लैंड रेवेन्यू कि यहां का जो भी पैसा मिलेगा वो हमको मिलेगा राइट right, है ना तो ये दीवानी राइट्स मांग रही है ना तो शाह हमने कहा निजामत निजामत में खर्चा लगता है रिलेट से दीवानी में तुम्हारे पास रिलेट से जो है पचास लाख रुपए आए या चलो दस लाख रुपए आए तो उसमें से पांच लाख रुपए निजामत में खर्च हो जाते हैं ना बात समझ आ रही है है ना तो ये पैसा तुम पैसा सारा ले जाओगे खर्चा कैसे होगा तो कहें ठीक है हम वो बंदोबस्त कर देंगे उसका हम तुम्हें पैसा दे देंगे छब्बीस लाख रुपए जो भी तुम्हारा लगता है हम निज़ामत का पे कर दिया करेंगे बट अदरवाइज़ अदरवाइज पूरा 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 जो है जो आ, पैसा है रेवेन्यू का हमारे पास आएगा तो यहाँ पे तुम दो बातें रियलाइज करो पहली बात कि दे आर इंटरेस्टेड इन मनी सिर्फ पैसा चाहिए इन लोगों को और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ पैसा इनको दे दो तो ये खुश हैं दूसरी बात तुम्हें रियलाइज़ करो कि ये लोग राज्य हड़प नहीं रहे ये चाहते तो बंगाल के नवाब को भगा देते और पूरा पूरा राज्य ले लेते रॉबर्ट क्लाइव चाहता तो अवध या शाह आलम को भी कहता कि हाँ हमें राज्य ही दे दो हमको ये दीवानी क्या हमें सब कुछ ही दे दो हम ही बैठेंगे यहाँ पे राइट तुम रियलाइज करो कि अभी भी यहां पे नवाब बैठा हुआ है नवाब अभी भी बैठा हुआ है ऐसा है नहीं नवाब को भगाया नहीं है सिर्फ और सिर्फ दे आर इंटरेस्टेड इन मनी तो अभी वो फ्रंट फुट पे आके एडमिनिस्ट्रेशन टेकअप नहीं करना चाहते अभी वो बैक फुट पे ही रहना चाहते हैं रॉबर्ट क्राइव का जो एडजस्टमेंट है दिस इज कॉल्ड एज ड्यूअल गवर्नमेंट कि भाई नवाब भी रहेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी भी रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट रहेगी पैसा वो कलेक्ट करेगा बट ओवरऑल फिगर कौन है हेड कौन है नवाब ही रहेगा, तो नवाब भी है बट पावर सारी पैसा सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है अब ये बड़ा है प्रॉब्लमेटिक कि नवाब को तुमने बिठा तो दिया है बट एक्चुअली उसके पास कोई पावर भी नहीं है कुछ कर भी नहीं सकता वो तो दिखाने के लिए नवाब बैठा हुआ है अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है अब एक छोटी सी बात इसी में और जोड़ जोड़ देते हैं कि निजामत वो ऑलरेडी ले चुके हैं बंगाल की तो बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर वो ऑलरेडी उठा चुके हैं राइट right? बट फिर भी बंगाल का नवाब बैठा हुआ है इस बात को थोड़ा सा समझो क्या कहना चाहते हैं ईस्ट तो इंडिया कंपनी अगर समझो तो वो दीवान बन बैठा है राइट बट बट दिखाने के लिए ऊपर नवाब अभी भी बैठा हुआ है साइन वगैरह अभी भी मोहर इसी की चलेगी तो यहां पे बंगाल में टेक्निकली डुअल रूल है डुअल रूल तो ये जो सत्रह का अरेंजमेंट है ये चलेगा सात साल सत्रह तक सत्रह तक दे विल ट्राई कि हाँ जितना एग्रीकल्चर में कमा सकते हैं हम उठा लें जितना एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं ऑफ आर्टिजन हम कर लें राइट जितना ड्यूटी वगैरह का फायदा उठा सकते हैं हम कर लें तो ये पूरा एक्सप्लाइटेशन मोड में आ जाएंगे 1770 तक जाते जाते ये खूब एक्सप्लाइट करेंगे एग्रीकल्चर में भी मैक्सिम रेवेन्यू एक्सप्लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि वो सरकार नहीं है ना उन्हें कोई फर्क थोड़े पड़ता इट्स नॉट अ वेलफेयर स्टेट कि तुम खाना खाओगे नहीं खाओगे पैसा बचेगा नहीं बचेगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो जब वो दीवानी मिल चुकी है रेवेन्यू राइट मिल चुका है उन्हें तब वो जी जान के लग गए हैं कि कितना भी पैसा बटोर दो क्या ही फर्क पड़ रहा है मैक्सिमम पैसा बटोरने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम पैसा बटोने की कोशिश कर रहे हैं एंड दिस विल लीड टू यू कैन से मिस गवर्नमेंट पुअर गवर्नमेंट इन बंगाल कहीं ना कहीं यही रिस्पॉन्सिबल है कि इस समय बंगाल में फैमिन वगैरह और सीवियर हो जाएगा फैमिन आएगा ये तो है ही बट सीवियर भी हो जाएगा फिलहाल ये सेटअप हमने समझा कि हाँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में एंटर कर गए हैं बट तो ये हमको ये भी दिखा रहा है कि दे आर ट्राइंग टू अवॉइड गवर्नेंस दे आर ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम द गवर्नेंस बट 1772 में जब वॉरन हेस्टिंग्स आएंगे वॉरन हेस्टिंग्स तो कहेंगे नहीं ये सिस्टम घटिया है राइट तो वॉरन हेस्टिंग्स आके नवाब को भी हटा देंगे कहेंगे कंप्लीट जो बिहार बंगाल उड़ीसा है वो हमारा प्रोविंस है यहां से हम लोग टेकअप करते हैं यहां से हम लोग जो है इसको इसको आगे लेके जाएंगे या बात समझ में आ रही है तो यहां से 1772 से वॉरेन हेस्टिंग्स ये रहेंगे 1772 से 1785 और ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में दे देंगे अब यहां से डिस्कशन हम कनेक्ट करेंगे आगे एडमिनिस्ट्रेशन में बट फिलहाल अभी वापस कॉन्केस्ट पर चलते हैं राइट कि हमने कॉन्केस्ट में कहानी क्या सीखी

अभी तक अभी तक जो राज्य है अगर हम देखें जो राज्य है थोड़ा इस मैप को समझने की कोशिश करो आपको दिखेगा कि अभी बंगाल अपने कंट्रोल में आ गया है। अंग्रेजों के अपने मतलब अभी अंग्रेजों के कंट्रोल अभी हम लोग अंग्रेजों की कश्ती पे सवार तो अंग्रेजों के पास बंगाल चला गया है राइट अवध भी अब उन्हीं की सुनेगा काइंड ऑफ बफर क्रिएट हो गया अवध भले डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं गया बट काइंड ऑफ बफर क्रिएट हो गया सुनेगा अंग्रेजों की तो उनकी पार्टी में जा चुका है प्लस साइड में अगर देखो तो कार्नाटिक वॉर में मैंने शुरू में तुम्हें बताया था कि कार्नाटिक वाला एरिया ऑलरेडी उनके पास है ऑलरेडी ये एरिया उनको सपोर्ट करता है सपोर्टिव है सुपर सपोर्टिव है निजाम ऑलरेडी सपोर्टिव है दिस इज निजाम ऑलरेडी सपोर्टिव है बॉम्बे इधर ऑलरेडी उनके पास है अब टेक्निकली अगर एक्सपैंड करना है तो दो मेन दुश्मन दिख रहे हैं यहाँ पे है ना कार्नाटिक अपने पास निजाम अपने पास दो मेन दुश्मन कौन दिख रहे हैं एक दिख रहा है मराठास तो मराठास हमने जैसे कहा थोड़ा तो मराठास की टेरिटरी देखो मराठास है ना अंग्रेजों से कहा ये है मराठास लड़ोगे तो मराठा तो अंग्रेजों को भी लगा कि नहीं नहीं इतने बड़े दुश्मन भी नहीं है क्यों ही पंगा लिया जाए इतनी बड़ी सल्तनत है मराठास की उन्होंने कहा कोई बेटर ऑप्शन बताओ कोई और ऑप्शन बताओ तो हमने कहा भाई एक है मायसोर नीचे बैठा हुआ है तो लॉजिकली सोचो तो अब यहां पे मायसोर ही अगला शिकार होना चाहिए क्योंकि मराठास इज टू बिग टू टेक राइट नाउ कि हाँ अभी बहुत यू uh, नो you know, बड़ी एम्पायर है मराठास उससे भिड़ेंगे तो मराठास अभी भारी पड़ जाएंगे तो मराठा लॉजिकली बनते नहीं है तो यहां पर माइसोर के यहां पर हमें नेक्स्ट करना चाहिए ओके okay, तो माइसोर की बात करते हैं तो अगला टॉपिक उठाते हैं माइसोर ना माइसोर जो है माइसोर अगर हम समझे अच्छा बाय द वे गवर्नर जनरल्स के थ्रू पूरी टाइमलाइन को तो समझना इज सुपर हेल्पफुल राइट आफ्टर दिस क्लास जो है मे बी यू कैन ट्राई कि हाँ आप गवर्नर जनरल्स के हिसाब से अपनी टाइम को बांट लीजिए है ना जो है यू you नो know, कि भाई यहाँ से यहाँ तक क्राइब हैं यहाँ से यहाँ तक जो है वॉरन हेस्टिंग्स हैं कॉर्नवॉल्स हैं फिर वेलीजरी हैं एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो गवर्नर जनरल्स हैं जैसे मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ तो वॉरन हेस्टिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं कॉनवॉलिस कोर्स इंपॉर्टेंट है रिचर्ड वेलीजरी बहुत इंपॉर्टेंट है देन हेस्टिंग्स जो है अठारह से इंपॉर्टेंट है एंड देन फाइनली जो है एक आप डलहोजी को मार्क कर सकते हैं आप ऑकलैंड को भी मार्क कर सकते हैं तो ये लोग हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है बेंटिक की पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट है बट अभी मे बी बेंटिक अभी हम स्किप कर सकते हैं तो ये टाइम जोन हमको पता अगर होंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और कहानियाँ उनके साथ रिलेट होने लगेंगी ख़ास बात मॉडर्न इंडिया की ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं राइट है ना कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के साथ क्या कर रही है या ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि वो इंडिया में क्या कर रहा है राइट right? इंडिया में जो हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट है वो ब्रिटेन के रिलेशन पे फर्क पड़ेगा तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से यू कैन से कनेक्टेड हैं और जितना तुम ये डॉट्स कनेक्ट करोगे जितना चीज़ें आपस में इंटर रिलेट करोगे तुम्हें उतना फ़ायदा होगा वो रिलेशन तब पॉसिबल होगा जब तुम्हारी टाइम के ऊपर अच्छी खासी कमांड होगी एंड टाइम लाइन कमांड अच्छी क्रिएट करने के लिए जो है बेस्ट तरीका है कि तुम गवर्नर जनरल फिगर आउट कर लो बाकी चीज़ें आसानी से क्रिएट हो जाती हैं तो अभी लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है गवर्नर जनरल वहां पे ये कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे चलिए तो मायसोर की बात करते हैं मायसोर मायसौर तो में अगर आप जो है बताऊं मैं तो मायसौर में बेसिकली दो लीडर हैं एक हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान तो इनिशियल जो फ़ाइट है वो हैदर अली की है और बाकी की जो फाइट है वो टीपू सुल्तान की है सत्रह सौ साठ ये कहानी शुरू होगी बैटल ऑफ प्लासी के यू नो ठीक बाद सत्रह सौ इकसठ राइट ये कहानी जो है सत्रह नहीं कहना चीज यह बैटल ऑफ बक्सर के बाद सत्रह में है ना अभी तो टाइम बनाते हैं समझते हैं अभी झगड़ा हो क्यों रहा है झगड़ा जो हो रहा है ये मैसूर है यहां पे आसपास हमें और भी राज्य दिख रहे हैं ट्रैवन कोर दिख रहा है यहाँ पे ट्रैवन कोर ट्रैवन कोर नजर आ रहे हो रेडी रखे ओके? तो ट्रेवन कोर है यहाँ पे देन जो है इधर एक कूर्ग भी है कूर्ग इज नॉट इम्पॉर्टेंट ये कार्नाटिक है कार्नाटिक राइट right, इनकी राजधानी कहीं यहां कहीं है आर्कट राइट right, कार्नाटिक इनकी राजधानी आर्कट प्लस इनका जो स्ट्रांग होल्ड है अंग्रेजों का डेट इज मद्रास इस पॉइंट पे तो मद्रास है इस कार्नाटिक में अच्छी खासी दोस्ती है इनकी राइट right, मायसोर है प्लस निजाम जो है निजाम से भी अच्छी खासी बन रही है निजाम से भी बढ़िया बन रही है तो इस घिराव में फंस गया है माइसोर चारों तरफ से ऑलमोस्ट घिर घिर चुका है और माइसोर इस पॉइंट पे फंसा हुआ है नाउ अभी झगड़ा क्यों बनता है झगड़ा बनता है इस कोस्ट की वजह से मलाबार कोस्ट की वजह से केरला कोस्ट इज नोन फॉर स्पाइसेस राइट स्पाइस ट्रेड के लिए जाना जाता है अब ये माइसोर जो है एक्चुअली वोडियार डायनेस्टी के अंदर आता है थोड़ा तो सा और बैकग्राउंड अगर हम समझे माइसोर के राजा जो हैं वो है वोडियार्स वोडियार्स बट करंटली माइसोर ग्रसित है मराठा अटैक से मराठास भारी पड़ रहे हैं तो यहां पर मराठास को टैकल करने के लिए किसी वॉरियर की जरूरत थी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर जो यहां पे मराठा से लड़ सके उसकी जरूरत थी तो ऐसे में इनका एक सिपाही है का एक सिपाही है आपके हैदर एंड हैदर विल फाइट मराठास एंड अदर नेबर्स एंड ही विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन द किंग हिमसेल्फ तो यहां पे अगर आप समझिए तो हैदर विल बिकम डी फैक्टो रूलर भाई रूलर राजा नाम का भले कोई भी हो राइट बट माइसोर में चलती किसकी है? हैदर की चलती है। हैदर ही काइंड ऑफ किंग हैदर ही यहां का राजा है नाउ ये चाहता क्या है ये चाहता है कि भाई ये जो मलाबार कोस्ट है इसका जो ट्रेड है ये हम करें कोई अंग्रेज कोई फॉरेन कंपनी ये वाला ट्रेड ना करे और जो ये जब ये सोच रहा है तो पलट के देखता है तो बगल में जो है ये सारे लोग खड़े घुरा लेके भाई क्या सोच रहे हो है ना तो इधर आपका हैदराबाद है। और इधर कर्नाटक और यहाँ मद्रास में अंग्रेज बैठे ही हैं तो ये सिचुएशन इनके लिए खासा ख़राब है और जैसा कि हमने कहा कि हैदर वॉरियर आदमी है है ना तो इतना आसान भी नहीं है हैदर को हरा पाना चलिए तो ये बेसिकली हम लोकेशन देख रहे थे आइए समझते हैं तो यहाँ पे चार लड़ाइयाँ होंगी चार लड़ाइया रटने का तरीका देखो ये है कि हमें कोई ऐसा ईयर तो नहीं जानना बट रफली सत्रह सो सत्तर अस्सी नब्बे सौ आसान है राइट सत्रह सत्तर अभी तुमने जो कहानी पढ़ी है सेवनटीन ये तो दो ईयर रटने ही है सेवनटीन फिफ्टी सेवन बैटल ऑफ प्लासी ये तो रट ही गया और इसके बाद सिक्सटी फोर बक्सर ये तो बच्चे बच्चे को पता है राइट अब इसके बाद जो माइसूर की हम कहानी पढ़ रहे हैं चौसठ के बाद आएगी और लिख लो यही चार बैटल है इजिली दिमाग में रह सकती है कि हाँ रफली यहां पे कहीं है एग्जैक्ट ईयर डज नॉट मैटर है ना कि एग्जैक्ट हाँ, ईयर क्या है फर्क नहीं पड़ता तो फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर टेकअप है। करते हैं सेवनटीन सेवनटी के आसपास है सेवनटीन सेवनटी तक तो कंक्लूड भी हो गई ठीक है नावन ये वाला पहला बैटल अगर आप देखिए तो आपको रियलाइज होगा कि झगड़ा वही है जो है कि भाई यहां से अंग्रेजों को निकाल दें तो नाउ ब्रिटिशर्स आर स्मार्ट ब्रिटिशर्स के पास ऑलरेडी निजाम ऑफ हैदराबाद है तो अलायंस क्रिएट हो रही है मराठास को भी अपने साथ मिला दिया या वो मिलकर हैदर को हरा देंगे तो मराठास के पास मराठास के साथ वैसे भी हैदर का झगड़ा रहता था माइसोर का झगड़ा रहता था अब ये तीनों एक तरफ समझ तो रहे हो यहाँ पे ये यह जो मैप तुम देख रहे हो इस मैप में मराठास हैदराबाद और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ये तीनों एक तरफ और आपका हैदर एक तरफ अपोजिट साइड में हैदर नाउ 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 यू सी कि जो है हैदर हैदर अब भी कामयाब रहा मराठास को अलग करने में निजाम को अलग करने में ये ट्रापाल्टाइट अलाइंस उसने तोड़ी है और अंग्रेजों पे भारी पड़ा है राइट right, अंग्रेज भी चौंक गए कि हाँ ये किस हिसाब से भारी पड़ रहा है एंड फाइनली एक ट्रीटी ऑफ मद्रास है ना कहते हैं कि ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है 1769 में मद्रास ने कहा सर मान लिया मालिक हो तुम तो. राइट right, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन कर दी राइट right, है ना हुआ कि भैया जो आपकी टेरिटरी है जो हमारी टेरिटरी है वापस करिए और एक यहाँ पे ट्रीटी में ये बात हो गई कि, कि कल को अगर आपको जरूरत पड़ेगी जैसा अवध को वादा किया था ना वैसा माइसोर को भी वादा किया कि कल कि को अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे आपकी अलायंस है है ना पैसे तो नहीं मांग सकते क्योंकि ऑलमोस्ट हारने की कगार पे थे, थे यहां पे तो पैसे तो नहीं मांग सकते पर मदद करेंगे ऐसा इन्होंने वादा कर दिया अभी सत्रह सो सत्तर में तुम पहुंचे सेवेंटी वाली पहली बैटल और यह कहानी पहुंची कि हाँ जो है यू नो कल को कुछ होगा तो मदद करेंगे नाउ सेकेंड बैटल सेकेंड बैटल अब नाउ सेकेंड बैटल बेसिकली वॉरन हेस्टिंग्स आ चुके हैं सेकेंड बैटल में अब खाली कनेक्ट करने के लिए मैं नाम ले रहा हूँ कि वॉरन हेस्टिंग्स आ चुके हैं ना आगे जब हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत कनेक्ट होगा बट अदरवाइज मे भी अभी उतनी शायद रेजरेंस नहीं है राइट जस्ट टू एनश्योर कि हाँ ये कहाँ पर है प्लेस किया हमने नाव सेकेंड बैटल में क्या होता है है ना ये हेस्टिंग का ज़माना है ऐसा करके दिमाग में रख सकते हो सेकेंड बैटल में क्या हो रहा है मायसोर और मराठा की फिर लड़ाई हो गई अब जब माइसोर और मराठा की लड़ाई हुई तो उसने पलट के अंग्रेजों की तरफ़ देखा राइट है ना कि साहब ट्रीटी साइन करी थी आपने मदद करोगे हो तुम है ना आए नहीं तुम मदद करने मदद का वादा किया तो, तुमने ट्रीटी में। आए नहीं तुम मदद करने। तो यहाँ पे हैदर को लगा नहीं भरोसा नहीं कर सकते भी। in fact, in fact, 17, आ, इनको यहाँ पे मदद अच्छी मिली फ्रेंच से राइट right, फ्रेंच में माहे इनके अंडर आ रहा है मलाबार में एक जगह है माहे माहे इज अ फ्रेंच कॉलोनी पौडीचेरी का पार्ट है आजो

1775, 1783 चल रही है एक और लड़ाई जिसका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमसे भले लेना देना ना हो बट हमारे जो प्लेयर हैं वो तो ग्लोबल प्लेयर है तो इसमें क्या हो रहा है इस लड़ाई में फ्रेंच वर्सेस फ्रेंच वर्सेस ब्रिटेन हो रहा है राइट right. अभी हमने कहा कि 71 में सेवेंटी वन में एक हैदराबाद की लड़ाई हुई थी माइसोर के साथ और हैदर माइसोर को क्या लग रहा है कि यहां पे फ्रेंच बेटर है और जैसे ही इनको ऐसा लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ऐसे कैसे है ना हम इसको कैसे सपोर्ट कर दें माहे को कैसे सपोर्ट कर दें राइट right, है हम तो दुश्मन है जानी दुश्मन है तो यहाँ पे यहाँ पे जो जो अंग्रेज है वो बेसिकली माहे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे राइट right, कहेंगे नहीं माहे हम कैप्चर ही कर लेते हैं बहुत दोस्ती तुम लोगों का बहुत ही आराना हो रहा है तो कैप्चर कर लेते हैं ऐसा करके उनको लगा नाउ 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 हैदर फेल्ट वेरी बैड हैदर को लगा अच्छा मलाबार का पार्ट है माहे ऐसे कैसे तुमने कैप्चर करने की सोची ये तो तुम ऐसे आदमी पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो ऐसे किसी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो जो कि मेरी प्रोटेक्शन में आता है तो नाउ आई विल नॉट अलाउ दिस आई विल नॉट टॉलरेट दिस एंड नाउ दिस इज सेकेंड बैटल सेकेंड बैटल चालू होती है अगेन सेकेंड मतलब अस्सी सत्तर अस्सी नब्बे सौ राइट तो अस्सी तो अस्सी की बैटल इस बार स्ट्रेंथ देखो हैदर हैदर मराठा से भी दोस्ती कर लेगा निजाम को भी अपने साइड ले आएगा अब ये तीनों एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ पूरी उल्टी कहानी है ना कि इस बार ये दोनों इधर अंग्रेज अकेले बैठे हुए अब अंग्रेजों को लग रहा है कि भाई अकेले भारी पड़ गया था ए, राइट है ना अकेले भारी पड़ गया था ये और अभी तो ये तीनों ही एक तरफ है तो डेफिनेटली यहां पर कहानी बिगड़ने वाली है तो दिस इज अराउंड सेवनटीन एट्टी सेकेंड बैटल है सत्तर अस्सी नब्बे सौ सिंपल सत्तर अस्सी नब्बे सौ तो जो है अस्सी दूसरी बैटल है आपकी ये नाउ नाउ यू रियलाइज अरे पढ़ लो यार तुम लोग जो है पढ़ाई के अलावा सब कर सकते हो तुम लोग है ना जो है ध्यान दे दो पढ़ाई पर कुछ सीख जाओगे कुछ आ जाएगा है ना जो है फिर कहोगे कि ये कहानियाँ ड्राई लगती हैं चलो ओके okay, चलो तुम तो लोग पढ़ लो है ना पढ़ाई पे ध्यान दो नेक्स्ट टाइम से जो है चैट बंदी कर देंगे है ना आई डोंट थिंक कोई पर्पज -पर है चैट का बट या चलो जो है फिलहाल तो वॉट वी आर रियलाइजिंग ओवर हेयर इज कि अंग्रेजों को अब लग गया डर ये तीनों तगड़े भारी पड़ने वाले हैं हमारे ऊपर कुछ तो हमें यहां पे करना पड़ेगा है ना तो so, सो so, अंग्रेज किसी तरीके से अब ये थोड़ा सा समा याद रखना ये समय कैसा है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सेवनटी फाइव एट्टी थ्री और ये समय कैसा है ये समय एक और पॉइंट याद रख सकते हो उसके बारे में ये समा है वॉरन हेस्टिंग्स का सेवनटीन सेवनटी टू से 1785, ये सब कुछ वॉरन हेस्टिंग के राज्य में हो रहा है दिस इज वॉरन हेस्टिंग है ना तो फिलहाल अब यहां पे अंग्रेजों को लगा कि हमें ये अलायंस तोड़ना पड़ेगा अगर हमने ये अलायंस नहीं तोड़ा तो बात नहीं बनेगी तो सेवनटीन देखो है ना हैदर को देखो कार्नाटिक पे ही अटैक कर दिया जाके एकदम गढ़ में अटैक कर दिया आर्कट कैप्चर कर लिया भाई तो अंग्रेजों की बुरी हालत है बुरी हालत है भाई इनके सामने तो नाओ नाओ सर आयर कूट किसी तरीके से ये अलायंस तोड़ेंगे है ना इस अलायंस से मुक्ति मिलेगी बट फिर भी फिर भी ऐसा नहीं है कि हैदर हार जाएगा है ना अब एक छोटी मोटी हार इधर उधर का मतलब हार नहीं होता ऐसा नहीं है कि हाँ हैदर यहाँ पे हार रहा है बट अनफॉर्चुनेटली हैदर की कैंसर से यहाँ पर डेथ हो जाती है सेवनटीन एट्टी टू हैदर की डेथ हो जाएगी तो दो यहाँ पे हार नहीं रहा था हैदर बट हैदर की डेथ होने के बाद पूरा दारोमदार आ जाएगा उसके बेटे टीपू सुल्तान पे नाउ इट इज टीपू सुल्तान इज सपोज टू टेक अप राइट right, है ना नाउ इट्स टीपू सुल्तान जो है हु हु इज सपोज टू एक्चुअली यू नो टेक अप द फाइट है ना 1782 के बाद दो साल और लड़ाई चलती रहेगी उसके बावजूद भी कोई कोई मुद्दा यहाँ पे हल नहीं होगा कोई यहाँ पे तब भी सॉल्व नहीं होगा राइट एंड एंड दोनों को ही लगेगा टीपू सुल्तान को भी लगेगा कि फर्जी लड़े जा रहे हैं अंग्रेजों को भी लगेगा फर्जी लड़े जा रहे हैं एंड दे विल बैकआउट तो यहाँ पे पीस ट्रीटी करेंगे दोनों कि चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए शांति कर लेते हैं और घर चलते हैं दिस इज पीस ट्रीटी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर मैंगलोर में ट्रीटी कर लेंगे और जिसने जो जिसका लिया हुआ है वापस कर देंगे घर चले जाएंगे सब लोग दिस वॉज सेकेंड बैटल सत्तर अस्सी नब्बे नब्बे की बारी थर्ड बैटल थर्ड बैटल में थर्ड बैटल में राजा राजा नहीं सॉरी गवर्नर जनरल हैं हमारे कॉनवॉलिस चार्ल्स कॉनवॉलिस कॉनवॉलिस फेमस हैं अपने रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए रेवेन्यू सेटलमेंट जमींदार आदमी इनको कोई लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट आता नहीं राइट है ना इनको जो है वॉरन हेस्टिंग के बाद ये आते हैं इनको लड़ाई झगड़े में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं आता है ये चाहते हैं कि हाँ लोग यू नो पीस रहे स्टेबल रहे क्यों ही झगड़ा करना है है ना अब यहाँ पे होता क्या है कि एक्चुअली लड़ाई है टीपू और ट्रैवन के बीच में मायसोर और ट्रैवन की लड़ाई है टीपू ट्रैवन कौर अटैक कर देता है ट्रैवन अंग्रेजों का दोस्त है है ना तो अंग्रेज कहेंगे ठीक है ट्रैवन को सपोर्ट करेंगे अब कनवालिस्ट क्या करें कनवालिस्ट कहेगा वैसे तो देखो हम बिल्कुल जो है फाइटिंग में बिलीव नहीं करते हैं बट फिर भी अब तुम लोग लड़ी बैठे हो तो लड़ो ठीक से तो इस बार जो लड़ाई होगी इस लड़ाई में जो है यू नो टीपू हार जाएगा ये लड़ाई बुरी तरह सरंगनापट्टनम में सरिंगापट्टनम बेसिकली जहाँ से टीपू ऑपरेट करते हैं वहाँ की वो जगह है माइसोर के पास सरिंगापट्टम सरिंगापट्टन में टीपू हार जाएंगे कॉन इस बड़ी आर्मी लेकर आए हैं हरा दिए पहले कहीं कहीं टीपू भारी पड़ा है बट फर्क नहीं पड़ता टीपू फाइनली हार जाएगा और यहाँ पे साइन होगी पहली ट्रीटी पहली ऐसी ट्रीटी जिसका मतलब है विच इज़ ट्रीटी ऑफ सरिंगापटम अब टीपू हार गए बड़ी बेजती की बात है यार टीपू हार गए है ना अब यहां पे देखो टीपू को हारने के बाद भी कॉनवॉल जो कि शांति में विश्वास रखते हैं वो चाहते हैं कि मैं टीपू को खाली कमजोर कर दो सिर्फ टीपू की पावर ले लूँ स्ट्रेंथ ले लूँ और जो है इनको छोड़ दूँ ताकि यू नो बना रहे जो चल रहा है चलता रहे समथिंग तो खाली टीपू की आधी एम्पायर ले लेंगे बहुत सारा पैसा ले लेंगे टीपू कहेगा इतना पैसा तो है नहीं तो कहेंगे ठीक है अपने दो बच्चों को दे दो तो उनके दो बेटे लेके चले जाएंगे कि जब तुम पैसे दे दोगे तो इन बच्चों को छोड़ देंगे तो अब ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग हो गया कि दो बेटे भी लेके चले गए राइट टीपू को बुरा लगा कि हाँ क्या हो गया ये तो दिस इज सेवनटीन है ना सत्तर अस्सी नब्बे सौ तो ये नब्बे वाली लड़ाई है राइट जो है अब अब टीपू दिल पे ले चुका है बहुत कि हाँ यार क्या किया जाए क्या किया जाए तो काफ़ी बुरा हो गया एंड नाउ द टाइम इज कि टीपू इज प्रिपेयरिंग टीपू इज अगेन प्रिपेयरिंग ऑन मॉडर्न लाइनोपियन लाइन्स नाइनटी टू से नाइन्टी दोनों लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ किया जाए कुछ किया जाए राइट right. और यहाँ पे टीपू मदद मांग बैठते हैं फॉरेन कंट्रीज से मदद मांग बैठते हैं कंट्रीज लाइक फ्रांस और फ्रांस जैसे ही मुंह से निकला देखा हमने कि इधर बैठे हुए हैं रिचर्ड वेलीजी रिचर्ड वेलीजी इनको ये सो रहे हो फ्रांस बोल दो तो ऐसे उठ के खड़े हो जाते हैं बेड पे गोली गोली चलाने लगते हैं कहने का मतलब बहुत डरते हैं फ्रांस से या तो डरते हैं या हवा क्रिएट कर रखा है दोनों में से कोई एक बात है वी आर नॉट वेरी श्योर कुछ लोग दिखाते हैं कि हम डर रहे हैं या दिखाते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत पेचीदा है बट एक्चुअली वो जो है सिर्फ और सिर्फ यू नो जो है भ्रम होता है तो ऐसा ये दिखाते हैं कि हाँ फ्रांस बहुत खतरनाक है वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट फ्रांस अब हो कह रहा है कि सेवनटीन में वोडियार डायनेस्टी का जो राजा है वो मार उनकी डेथ हो जाती है जब उनकी डेथ हो जाती है तो टीपू कहता है कि अब कोई वोडियार डायनेस्टी नहीं चलेगी अब मैं ही सुल्तान हूँ मैं ही राजा हूँ अब तक ये डी फैक्टो हुआ करते थे बट अब कह रहे हैं कि ये मेरा ही राज्य है एंड ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रांग आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स जो है चाहे वो आर्टिलरी ले लो चाहे वो सोल्जर्स ले लो तो डिसिप्लिन भी ऐसा यूरोपियन टाइप होना चाहिए उस तरह की आर्मी क्रिएट कर रहे हैं प्लस फ्रांस वगैरह से काबुल से मदद मांग रहे हैं अब जब एलिजी जी को ये पता चला कि भाई ये तो बिल्कुल ही हाथ से निकल गया है तो इस बार दी एंड करना पड़ेगा तो जो लास्ट बैटल है दिस इज सेवनटीन नाइनटी नाइन इसमें ये एंड करने के लिए उतरा है कि अब टीपू को छोड़ा नहीं जा सकता बिकॉज ये फ्रांस के साथ जा रहा है फ्रांस के साथ टीपू वैसे काफ़ी अलाइंड है राइट वो इवन जो जो है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके साथ काफ़ी अलाइंड है वो अपने आप को जैकोबियन क्लब का मेम्बर कहते हैं एक ट्री ऑफ लिबर्टी भी उन्होंने अपने घर में लगा रखा है ना कि हाँ भैया हम मान रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो तुम देखोगे तो लॉर्ड वेल यहां पे जब उतरे हैं तो ही इज लाइक कि हाँ अब टीपू खत्म करना है हमको एंड इस बार जब अटैक करेंगे तो टीपू विल बी किल्ड इन सरिंगापट्टनम राइट right? एंड तो टीपू डाइड डिफेंडिंग सरिंगापट्टनम और जो है जो वोडियार थे वोडियार के जो बेटे थे उनको यहाँ पे कृष्णराज राजी को बिठा दिया जाएगा गद्दी पे कि सर आप ही राजा हैं आप ही रहेंगे आपके साथ हम साइन करेंगे सब्सिडियरी अलायंस वॉट इज सब्सिडरी अलायंस ये थोड़ा भी आगे देखेंगे वक्त आएगा इसका तो यहाँ पे जो है उनके साथ एक ट्रीटी साइन करके सब्सिडरी अलायंस साइन करके इनको छोड़ दिया गया है आगे जाके 31 में इसको एनेक्स कर दिया जाएगा माइसोर को विलियम बेंटिक एनेक्स करेंगे राइट ऐसा सुनने में आएगा कि माइसोर ठीक से रूल नहीं कर पा रहा तो इनको 31 में 1831 में एनेक्स कर दिया जाता है बट बट 1881 में लॉर्ड रिपन आते हैं और वो बताते हैं पहले से ही पता था बट ही वॉज कि भाई गलत एनेक्स कर दिया था वो लोग राज कर पा रहे थे जो रिपोर्ट थी वो झूठी रिपोर्ट थी तो इनको वापस री कर देना चाहिए तो यहाँ पे मायसोर को री कर दिया जाएगा वोडियार डायनेस्टी तो आज भी तुम देखोगे तो मायसोर जो है अभी भी वोडियार डायनेस्टी के पास है राइट है ना वोडियार डायनेस्टी आप जाएंगे मायसोर तो उनका किला वगैरह विजिट कर सकते हैं तो आर्किटेक्चर बहुत बेहतरीन आर्किटेक्चर है बहुत खूबसूरत किला है उनका अब यहाँ पे माइसोर की टेरिटरी बांट दी जाएगी थोड़ा निज़ाम के पास तो थोड़ा अंग्रेजों के पास तो थोड़ा मराठास के पास तो इस तरीके से मायसोर की कहानी यहाँ पे खत्म हो रही है और यहाँ पे फिर अगली कहानी चालू हो रही है विच इज विच इज मराठास तो जो सबसे बड़ा दुश्मन था मायसोर वो यहाँ पे हट चुके हैं मायसोर की लड़ाई में बीच में मराठास गायब हो गए थे ये बात थोड़ा सा अब समझ में आई है हमें जब हम मराठास पढ़ेंगे राइट कि बीचों बीच बीचों बीच मराठास पहले मदद कर रहे थे सेकेंड बैटल में और फिर पीछे हट गए थे अब समझेंगे थोड़ी देर में तो so ना तो हमने बात कर ली है प्लासी की बक्सर की माइसोर की बात करते हैं मराठास की मराठास सो so, ना मराठास का जो है अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझें तो मराठास वर एबल टू तो क्रिएट वेरी बिग टेरिटरी ये ये जो है 1765 का मैप हमको देख रहा है 1765 के मैप में जो है आप देखिए तो एक बड़ी रेंज बड़ी टेरिटरी हमको दिखाई दे रही है मराठास की राइट right? तो 1707 से यानी मॉडर्न इंडिया में मराठास ने जो राइज करना चालू किया है तो फिर वो रुके ही नहीं ग्रोथ होती ही गई होती ही गई 1707 के बाद ये जो ग्रोथ आ रही है दिस इज मेनली डेडिकेटेड टू पेशवास या इट इज मेनली डेडिकेटेड टू पेशवास शिवाजी के वंशज हैं साहू राइट right? साहू जो है छत्रपति हैं, लेकिन साहू लीड नहीं कर रहे जो लीड करने का काम कर रहे हैं और क्लियर कर लेते कि हम क्या कहना चाह रहे जिनको मराठास का बैकग्राउंड नहीं पता उनके लिए सोलह सो अस्सी समय शिवाजी की डेथ हो जाती है अब शिवाजी के जो है शिवाजी के दो बेटे हैं एक है सांभाजी राइट सांभाजी को औरंगजेब एग्जीक्यूट कर देता है और जो इनका बेटा है जिनका नाम है साहू साहू को जेल में कर देता है ही वॉज इम्प्रेजेंट राइट right. साहू जेल चले जाते हैं जेल में होते हैं साहू को रिलीज किया जाता है 1707 में साहू वाज रिलीज जब औरंगजेब की डेथ हुई है ना तो उसके बाद बहादुर शाह साहू को रिलीज करते हैं नो यहां से साहू का राज्य या फिर आप समझिए छत्रपति वापस टेकअप कर रहे हैं साहू का राज्य स्टार्ट हो रहा है बट बट या कोई भी डेट याद नहीं करनी है नहीं सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है मैं डेट्स का यूज़ करूंगा बिकॉज मैं स्टोरी सुना रहा हूँ राइट तो हम उसे पहली बार फ्रेम करना चाहते हैं कि कहाँ पे इन दी एंड तुम्हारे लिए क्रोनोलॉजी और स्टोरी और सीक्वेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट अगर तुम टाइम लाइन समझ रहेगा तो वो टाइम फ्रेम की हाँ कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही थी उतना ही इंपॉर्टेंट है तो ईयर तुम्हारे लिए रटना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है कि हाँ सोलह मैंने कहा तुम्हें तुम्हें रफली याद है कि टूवर्ड्स दी एंड ऑफ सेवनटीन सेंचुरी चलेगा चलेगा उतने से बात हो जाएगी ओके okay, अब सत्रह सौ सात हमारा टाइम फ्रेम है राइट सत्रह सो सात इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ तो ये नहीं भूलेंगे बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो जो हमारे फ्लैग्स होते हैं वो हम नहीं भूलते बाकी हम कोई ईयर नहीं रखते तो ना हो तो सत्रह सो सात साहू अगर आप देखिए तो साहू यहाँ टेकअप तो कर लेंगे बट इट इज नॉट साहू बट उनके नीचे जो पेशवाज हैं दे आर स्ट्रोंग लीडर्स तो गेम एक्चुअली साहू का नहीं है राइट गेम एक्चुअली जो है शिवादी के वंशजों का नहीं है गेम एक्चुअली पेशवास का है है ना तो पेशवास में आप देखेंगे कि दे आर द वन हु विल एक्चुअली लीड राइट तो ये जो ग्रोथ आ रही है ये पेशवास की वजह से आ रही है ना कि साहू अब पेशवास कौन है तो साहू के साथ पेशवा जो है वो है बालाजी विश्वनाथ सत्रह सो तेरह से चालीस को मन बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव राइट right? को चालीस बैटल्स इन्होंने लड़ी है और कभी नहीं हारे तो ये ग्रोथ दे रहा है उसके बाद बालाजी बाजीराव बालाजी विश्वनाथ बाजीराव और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बालाजी बाजीराव अच्छा ये अगेन याद ना भी करना चाहो तो ऐसे याद हो जाता है कैसे याद हो जाता है देखो ये 20 से पहले है कुछ 13 से 20 नहीं हुआ कोई बात नहीं 20 से 40, 40 से 60 आराम से राइट तो हम क्या देख रहे हैं कि 1761 के पहले हमारे जो पेशवाज हैं यानी कि बालाजी विश्वनाथ बालाजी विश्वनाथ अब देखो यहाँ कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता बालाजी विश्वनाथ बीस से चालीस आपके जो है बाजीराव राइट और फिर बालाजी बाजीराव ये बढ़िया एक्सपानशन दे रहे हैं राइट ये अटक से कटक तक का सपना दे रखा इन्होंने हिंदू पद पदशाही क्रिएट करना चाहते हैं तो ये पैन इंडिया एंपायर क्रिएट करना चाहते हैं वही हमको ग्रोथ दिख भी रही है ये जो एम्पायर क्रिएट करी है ये इन्हीं तीनों लोगों ने क्रिएट करी हुई है इनफैक्ट इसमें बाजीराव का बहुत बड़ा हाथ है फिर बालाजी बाजीराव का बहुत बड़ा हाथ है और ये इतनी बड़ी एम्पायर ऐसा लग रहा है कि जब अभी मुगल्स डिक्लाइन कर जाएंगे मुगल्स गायब हो जाएंगे हार जाएंगे मुगल्स है ना क्योंकि शाह आलम जैसे मुगल्स बैठे हुए हैं right, राइट तो दे आर नॉट द वन वो अकबर नहीं है बात समझ आ रही है तो टेक्निकली मराठा शुड हैव ग्रोन हैव क्रिएटेड अ पैन इंडिया एम्पायर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा बट बट जब हम ये ट्रीक देख रहे हैं वहीं पे अनफॉर्चुनेटली सत्रह में लगेगा झटका बैटल ऑफ पानीपत सत्रह तो बैटल ऑफ पानीपत भाई वे नेक्स्ट क्लास में मराठास पढ़ाऊंगा मैं ठीक है तो ये बैटल ऑफ पानीपत डिटेल में कवर करेंगे पानीपत डिटेल में कवर करेंगे डू नॉट वरी बट फिलहाल आज हम पढ़ रहे हैं लेकिन हाँ और डिटेल में हम बात करेंगे मराठा हिस्ट्री एंड और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बट फिलहाल अभी फोकस करते हैं मराठा हारे कैसे तो 1761 के बाद अगर आप देखिए तो एक बड़ा झटका लगा है आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत जब ये लोग हार गए अहमद शाह अब्दाली से अहमद शाह अब्दाली से हार गए है ना अफगानी था अफगान से आया था अफगानिस्तान का जो है यू you नो know, वो है राजा है राइट वो हार गए जब ये हार हुई तो उसमें बहुत पैसा लॉस हो गया बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जो प्रेस्टीज गई वो तो टेरिटरी प्रेस्टीज गई वो तो गई ही गई बट पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और इस शौक से उबर पाना यहां पे आसान नहीं था नाउ आफ्टर दिस बालाजी बाजी राव के बेटे माधव राव टेकअप करते हैं दस साल ये भी रूल कर रहे हैं इकसठ से बहत्तर राइट इकसठ से बहत्तर तो दस साल माधव राव का भी रूल है अब ये जो टाइम है माधव राव वाला ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा सपोर्ट आया है इसे मराठा रिसरक्षण कहा जाता है ऐसा लगा था कि शायद संभल जाएगी बात मराठा रिसरेक्शन बट इनकी डेथ हो जाती तो ये जो आखिरी उम्मीद है ना माधव राव राइट है ना वो भी चले गए माधव राव भी नहीं रहे नाव माधव राव के बाद जो है पेशवा बने नारायण राव नारायण राव अब नारायण राव बेसिकली यू you नो know, नारायण राव पेशवा बन गए हैं बट यहां पे अभी रघुनाथ राव एग्जिस्ट करते जीवित हैं रघुनाथ राव रघुनाथ राव बाजी राव के बेटे हैं बाजी राव मस्तानी में रघोबा आपको शायद याद होंगे रघोबा ये अभी भी जीवित है राइट right? ये देख रहे हैं कि मेरा भतीजा भतीजा बना जा रहा है है ना मेरा भतीजा बन रहा है जो है पेशवा मुझे पेशवा कब बनाएंगे मुझे पेशवा बनाने का नंबर नहीं आ रहा तो यहाँ पे उनके अंदर ये जो है यू कैन से ग्रीड आ गया है है ना ये ये चीज आ गई है कि हाँ मुझे पेशवा बनना चाहिए एंड वॉट ही इज डूइंग ये जो सोचो यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए था ग्रो करना चाहिए था संभालना चाहिए था ये लोग आपस में लड़ पड़े तो रघुनाथ राव असासिनेटेड नारायण राव रावी ना हमें तो अपनों ने मारा तो हां तो नारायण राव का असासिनेशन हो गया बन बैठे क्या ये पेशवा बन गए तिहत्तर चौहत्तर में रफली सेवेंटीज की कहानी चल रही राइट right? है ना सेवेंटीज की कहानी हम लोग खेल रहे हैं सब Now, अच्छा द वे सेवेंटीज की कहानी जैसे मैंने कहा तुम्हें तो याद आना चाहिए कि माइसोर भी सत्तर अस्सी नब्बे सौ था ये भी कहानी सेवेंटीज में ही चालू हो रही है राइट है ना पहली बैटल सिक्सटी नाइन समवेयर खत्म हो रही थी उसके बाद सेवेंटीज में ये सब देखो मच रहा है तो पहले उसको डर था मराठास का पहली बैटल मराठास नहीं सपोर्ट कर रहे थे बट दूसरे बैटल में अब यही मराठास उसको सपोर्ट करने वाले हैं माइसोर को ये बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है वरना जब रिवाइज करोगे तब ये बात समझ में आ जाएगी तुम्हें जो कहा मैंने अभी चलो खैर है ना उधर मैंने कही थी ना बात सत्तर अस्सी नब्बे सौ सत्तर अस्सी नब्बे सौ तो ये सत्तर से अस्सी के बीच में सारी कहानियां हो रही हैं एनी anyway, वे चलो तो नारायण राव को असासिनेट कर दिया बट बट क्या बाकी लोग सपोर्ट करेंगे इट इज नॉट ओनली अबाउट पेशवास क्या बाकी लोग यहां पे सपोर्ट करेंगे क्या कहेंगे हाँ रघुनाथ राव की जय हो है ना हमारा पेशवा रघुनाथ राव ऐसा नहीं होगा बाकी जो आपके जो मराठास हैं वो रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं कर रहे और रघुनाथ राव के पास अब कुछ ऑप्शन नहीं बच रहा क्या करे क्या करे बेचारा क्या करे तो वो भाग के गया क्या, क्या किया उसने रघुनाथ राव पहुंचे रघुनाथ राव पहुंचे बॉम्बे के पास बॉम्बे कहाँ गया बॉम्बे हमारा बॉम्बे कहीं पहुंच गया बॉम्बे का एक दर्द है थोड़ा उस दर्द को समझ लेते हैं उसके बाद बॉम्बे पे आते हैं तो रघुनाथ राव पे आते हैं हुआ क्या कि जब ये यहाँ पे अभी हमने बात करी कि बंगाल बिहार उड़ीसा 1765 ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हो गया था है ना अभी बात करी थी हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद उसके बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स पूरा राज्य अपने पास ले लेंगे राइट right, कि हाँ बीच में कोई नवाब नवूब नहीं रहेगा हम ही हैं तो वॉरेन हेस्टिंग स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेशन इसी के बाद 1773 में आएगा रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो कि कहेगा कि गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर ऑफ बंगल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम ही बदल गया टाइटल बदल गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये पूरे गेम से यहां का जो गवर्नर है वो सीनियर हो गया और बॉम्बे का गवर्नर मद्रास का गवर्नर अब क्या करेगा जी हुई करेगा सब ऑर्डिनेट बन गया है इसका क्या इस गवर्नर को बुरा लग रहा है गवर्नर ऑफ बॉम्बे क्या भरा बैठा हुआ है गवर्नर ऑफ बॉम्बे अब ये कौन से दौर में चल रहा है 1770s, right? 73 में ऐसा हुआ था ये कौन से दौर में आ रहा है सेवन है ना तो सेवनटीज में ही पूरा मचरा तो सेवनटीज में जब ये कहानी हुई और जब इसके पास रघुनाथ राव पहुंचेंगे रघुनाथ राव तो सोचो इसने क्या सोचा होगा इसने सोचा होगा कि भाई यहाँ पर बंगाल बिहार और इससे छोटी सी जगह है तो इतनी वाह आज वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है अगर मैं मराठास के साथ इसी तरह की कोई ट्रीटी कर लूँ और ये पूरा एरिया पूरा एरिया अगर मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिलवा दिया मराठास अगर मेरे चंगुल में आ गए मेरी झोली में आ गए है ना यहाँ का जो राजा है वो मेरा पपट नवाब बन गया तो सोचो मेरी कितनी वाहवाही होगी को गवर्नर जनरल 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 गवर्नर ऑफ बंगाल कहने मतलब बॉम्बे कहने लग जाएंगे राइट है ना तोपों की सलामी दिया करेंगे मुझे तो ये जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे है ये थोड़ी देर सपने देखने लग गया इस तरीके के कि हाँ भाई मजा ही आ गया ओह हो क्या ही बात हो गई है ना तो इस तरीके के सपने देख रहा हैं थोड़ी देर है ना और यहाँ साइन कर बैठा ट्रीटी ऑफ सूरत रघोबा को गले लगाया कहता है हाँ भाई तुम्हारा ही इंतजार था है ना तुम ही हो मेरे पालनहार रघुनाथ को गले लगा लिया उसने कि पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ट्रीटी सूरत ऑफ ट्री, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लिया राइट नाउ अभी जो ट्रीटी ऑफ सूरत है इसके तहत बोला कि तुमको आर्मी प्रोवाइड करेंगे है ना सेम बिल्कुल वैसे ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ना कॉपी पेस्ट मारने लगा कहता है कि हाँ तुम जो है यू you नो know, हम तुम्हें आर्मी प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ढाई हजार दो बदले में तुम हमें पैसा दोगे ज्वेलरी दोगे छह लाख की कोई नंबर ऐसा नहीं रखना लेकिन हाँ समझो कि बदले में तुम हमको पैसा दोगे और टेरिटरी अभी दे दोगे बसीन सालसटे एंड ऑल है ना प्लस आइलैंड है चार बॉम्बे के पास ये भी दे दोगे बसीन दे दोगे सालसटे दे दोगे हमको कुछ आइलैंड्स वगैरह दे दोगे प्लस मराठास बंगाल में रेड नहीं करेंगे क्यों क्योंकि बंगाल हमारा इलाका है कर्नाटक में रेड नहीं करेंगे क्यों क्योंकि हमारा इलाका है कल को अगर तुम पूना में किसी के साथ ट्रीटी करते हो तो हमें एक्सक्लूड नहीं करोगे हमें अपने साथ रखोगे किसी भी तरह के आर्बिट्रेशन निगोशिएशन में हमको हमारे अपने साथ रखोगे इस तरह का वादा लिया उन्होंने किससे रघुनाथ राव से रघुनाथ राव है ना और भिड़ गए रघुनाथ राव और बॉम्बे के गवर्नर में सारा डिस्कशन हुआ रघुनाथ राव भी खुश हो गए कि वाह वाह मजा ही आ रहा है बहुत मजा आ रहा है राइट है ना अब इस भिड़ंत में इस भिड़ंत में जो हमारे बॉम्बे जो है बंगाल में बैठे हुए उस समय कौन हेस्टिंग्स ऑफ कोर्स फॉरन हेस्टिंग का समय ही से पचासी राइट तो वॉरन हेस्टिंग से बैठे हूं अब देखो बहत्तर से पचासी इंपॉर्टेंट है अब जो हो रहा है बहत्तर से पचासी में हो रहा है वो चौहत्तर पे हो रहा है पिछहत्तर पे हो रहा है पता नहीं लेकिन अब बहत्तर से पचासी की कहानी है ये राइट सेवेंटी टू से 1785 की कहानी है ये राइट right, अब उसके बीच में ईयर रटने की जरूरत नहीं सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है खाली तो वॉरन हेस्टिंग कहेंगे अच्छा बिना मुझसे पूछे मैं हूं ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल मैं हूं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऐसे कैसे बिना मुझसे पूछे तुमने ट्रीटी साइन कर ली भेजेंगे अपना आदमी भेजेंगे तुरंत अपटन को कहेंगे अपटन दौड़ते हुए टन टनाते हुए पहुंचे वहां पर अपटन टन टनाते हुए पहुंच जाएंगे राइट और मराठास के साथ पेशवास के साथ दूसरी ट्रीटी होगी कहेंगे ये सूरत वूरत की ट्रीटी में हम नहीं मानते हम रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे है ना बाकी के जो पेशवास बाकी के जो मराठास है किसको सपोर्ट कर रहे हैं देखिए बाकी के जो मराठास हैं दे आर सपोर्टिंग जो है सवाई माधव राव है ना कि हाँ इनके बेटे को सपोर्ट किया जा रहा है सवाई माधव राव को तो लेट सवाई माधव राव बिकम पेशवा तो हम भी इनको सपोर्ट करेंगे हम रघोबा को सपोर्ट नहीं करेंगे रघोबा को किनारे किया जाए तो ये जो जो है यू you नो know, ट्रीटी है दिस ट्रीटी विल सॉल्व थिंग्स फॉर सम टाइम ट्रीटी ऑफ पुरंदर ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है थोड़ी देर के लिए कहानी सुधार देगी ऐसा लगेगा कि कितना दिमाग लगाया इस बंदे ने कितना सही काम कर दिया पेशवा से झगड़ा नहीं किया करना अभी होने वाला था झगड़ा क्योंकि रघुवा को कोई सपोर्ट नहीं करता सारे मराठा लड़ाई कर लेते तो अंग्रेज ब्रिटिश वर्सेस मराठा यहां पे होने वाला था इस आदमी समझदार आदमी ने संभाल लिया राइट बट फॉरेन हेस्टिंग जितने समझदार देख रहे हो तो समझदार है नहीं नाउ नाउ अब होगा अगेन वहां चल रहा है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से 1783 फ्रांस और जो है ब्रिटेन अलग अलग हैं है ना ये हमने भी बात घूमते तो हुए तो इनको, इनको पहले क्या लगा था कि माइसोर की फ्रांस के साथ दोस्ती है माहे वाला डिस्कशन हम लोगों ने किया था है ना? तो सेम दौर में इनको लगा था कि माइसोर की फ्रांस के साथ दोस्ती है तो माहे की वजह से अभी माइसोर से झगड़ा ले बैठे थे लोग राइट right, फिर वही गलती कर बैठे और यहाँ पे इन्होंने कहा कि अच्छा इनके यहाँ कोई घूमने आ रहा है अच्छा अटैक करो तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर को किनारे कर दिया और लड़ जाके लड़ बैठे मराठा से अब ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी बात आ रही है ना कि तुम सोचो कि हाँ चल के यहाँ पर मराठा से झगड़ा कर दिया जाए है ना ये समझदारी नहीं थी वॉरन हेस्टिंग की वॉरन हेस्टिंग पर यह बात काफी भारी पड़ेगी और पुरंदर में जो उनको वाहवाही मिली थी कितना बढ़िया काम किया कितना प्रेग्मेटिक है कितने प्रोएक्टिव है आप भगवान है आप पुरुष नहीं महापुरुष है ऐसी जितनी तारीफ मिली थी उतनी बुराइयां मिलेंगी अब इनको कि किसने कहा था ये जो है ट्रैवलर आया हुआ है क्या ही उसने ऐसा कर दिया था क्यों ही उसको सपोर्ट नहीं किया तो नब इनको राइट इनफैक्ट इस झगड़े में अब जो झगड़ा यहां पे होने वाला है राइट उस झगड़े में एक्चुअली ब्रिटेन हार जाएगा ट्रीटी ऑफ वडगांव होगी सारी सारी जो है यू कैन से एडवांटेज जा चुका है बट लकीली क्योंकि इनका दिन काफी अच्छा चल रहा है लकीली लकीली जो है 1781 में कैप्टन पोफम कैप्टन पोफम ग्वालियर से जीत जाएंगे ग्वालियर कैप्चर कर लेंगे राइट और इनको नेगोशिएट करने का वापस मौका मिल जाएगा ठीक है तो कैप्टन पोफम सिंधियास से कहेंगे अभी सिंधियास कौन है थोड़ी देर में देखेंगे सिंधिया से कहेंगे कि भाई इज्जत बचा दो चल के दोस्ती करा दो वापस बुरा मान गए मराठास है ना तो वापस दोस्ती करा दो तो यहां पे सेवनटीन एट्टी टू में वापस एक दूसरी ट्रीटी होगी दिस ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ साल बाई ट्रीटी ऑफ साल बाई कि सर गलती हो गई जो कुछ था वापस दे दो म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर टेरिटरीज की जो आपका है वो आप ले दो जो हमारा है वो हमें दे दो राइट हमसे वसीन वापस ले दो कोई दिक्कत की बात नहीं है राइट है ना और भी कुछ कुछ हमने कैप्चर किया है वो भी वापस ले जाओ खाली सालसिटे और एलिफेंटा आइलैंड इन्होंने रख लिया और कहा कि भाई जिंदगी में कभी रघुनाथ राव को तो सपोर्ट नहीं करेंगे कसम खाते हैं तो इस तरीके से इन्होंने मराठा से यहाँ जिंदगी बचा ली अपनी इज्जत बचा ली यहाँ पे अभी ट्रीटी और सालबाई ही है जिसकी वजह से इसी समय लड़ाई चल रही है सत्तर अस्सी नब्बे सौ वाली तो जो अस्सी वाली लड़ाई है इसमें मराठास इसीलिए बैकआउट कर जाएंगे बिकॉज ट्रीटी और सालबाई हो गई है अब इसके तहत अब इन्हें झगड़ा नहीं करना है तो इसीलिए उस वाली बैटल से मराठास बैकआउट कर जाएंगे तो ये एक्चुअली मराठास के ऊपर जो है यू नो वॉरन हेस्टिंग को मराठास की लड़ाई सॉरी माइसोर की लड़ाई में भी हेल्प करने वाला है है ना क्योंकि 80 सेकेंड बैटल चल रही है तो 80 में जो है ये हेल्प करने वाला है नाउ अब यहां पे समझो फर्स्ट बैटल में इनको समझ में आ गया है कि हम मराठा से झगड़ा तो नहीं कर सकते भाई बहुत खतरनाक लोग हैं तो लेट्स वेट है ना लेट्स वेट टाइम के साथ बड़े बड़े जो है महारथी गिरते हैं तो इनका इंतजार करते हैं अब ये जो कहानी है यहाँ पे थोड़ा और फोकस करते हैं हमें समझ में आएगा कि मराठा एक्चुअली पूरा एक क्रैंड नहीं है बल्कि एक कॉन्फिड्रेसी है कॉन्फिड्रेसी मतलब यहाँ पे शिंडे लीड कर रहे हैं यहाँ पे होलकर लीड कर रहे हैं यहाँ पे भोसले हैं यहाँ पेशवा है इधर गायकवाड़ है राइट तो ये इस तरीके का क्या है कि बटा हुआ है राज्य की ये एरिया आपका ये एरिया आपका ये एरिया आपका, आपका इस तरीके से राज्य बटा हुआ है जब पेशवा स्ट्रांग होता है तो क्या है कि सबको लेकर चलता है इस कॉन्फिडेंसी को लेकर चलता है बट जब पेशवा कमजोर होता है पेशवा में स्ट्रेंथ नहीं होती तब क्या है कि आपस में भी झगड़ना चालू कर देते हैं इधर उधर होने लगते हैं प्लानिंग की ऐसी की तैसी हो जाती तो जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग पेशवा हुआ करते थे गेम कुछ और था बट अब जब हमारे पास स्ट्रॉग पेशवा नहीं है तब गेम डेफिनेटली कुछ और है आप प्लस वर अदर लीडर्स एज वेल जैसे नाना फडनवीस एंड ऑल उनकी भी डेथ हो जाती है अठारह सौ तक आते आते तो अब कोई बड़ा लीडर सबको संभाल के लेकर चलने वाला है नहीं नाउ इन दिस सरकमस्टांस राइट अब देखो अठारह सौ हो गया अठारह सो हो गया मतलब सत्रह सत्तर अस्सी नब्बे सौ खत्म हो चुका है माइसोर खत्म हो चुका है यानी अब कोई और चैलेंजर है ही नहीं एक्सेप्ट फॉर मराठा अब इस समय क्या हो रहा है इसका बैकग्राउंड अगर आप समझिए राइट तो 1795 जो आपने माधव माधवराव को बनाया था पेशवा माधव राव नारायण इनको हमने उस समय वहां पे बना दिया था पेशवा ये कमिट कर गए सुसाइड अब अगला पेशवा कौन बने वापस उस मैप पे चलते एक बारी हम लोग किसको बना के निकले थे वापस यहाँ पे आते हैं हम लोग ने सवाई माधवराव को बना दिया था राइट right, है ना नाउ नाउ आफ्टर दिस आफ्टर दिस अब कौन बनेगा अगला पेशवा तो रघोबा का ही बेटा बाजी राव टू जैसे फादर यू you नो know, रायता फैला के गए थे अब उन्हीं के बेटे को बना दिया गया है पेशवा अपने सहमति के साथ कि भाई अब वो नहीं है यही एक तो ऑप्शन है हमारे पास तो बाजी राव टू बन चुके हैं अब नाम बाजी राव रखने थोड़े बाजीराव हो जाता है कोई तो बाजीराव टू बन चुके हैं पेशवा यहां पे। वापस आते हैं राइट तो बाजी राव टू है पेशवा नाना फडनवीस जब तक गाइड कर रहे हैं ठीक है देन बट देन देन नाना फडनवीस की भी डेथ हो जाती है तो 1800 के बाद तो समझो कि साया ही चला गया है सर के ऊपर कौन ही संभालेगा देगा अब इसके बाद तो राइट नाउ 1801 में तुम देखो ये लोग आपस में लड़ बैठे क्या हुआ होलकर के भाई जसवंत राव होलकर के भाई का असासिनेशन कर देंगे आपके बाजीराव दूसरे वाले सेकेंड बाजीराव अभी आपस में झगड़ा हो रहा है अब होलकर दौड़ा रहा है उनको है ना कि हाँ भाई जो है यू नो अब तुमको बैठे नहीं नहीं देंगे उसको हटा दिया किसी और को बैठा दिया नॉट इम्पॉर्टेंट बट नाउ द पॉइंट इज जो बाजीराव टू है ही इज ऑल्सो फीलिंग दैट पिंच कि हाँ ये जो मेरा राज्य है सेफ नहीं ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे ये लोग मुझे हटा देंगे तो क्या करे क्या करे क्या करे अब इस समय आ चुके हैं वेलीजरी वेलीजी को आप जानते हो राइट वेलीजरी एक पेपर लेके घूम रहे हैं जिसे कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस ये अभी हमने वोडियार के साथ भी साइन करी थी वहां भी यही थे ये वही हैं जिनके बारे में मैंने कहा था कि हाँ यू नो नींद में वैसे उठा दो कहो फ्रांस तो चल के गोली गोली मारने लग जाए खौफ बना रखा है इन्होंने फ्रांस का तो ही इज फेमस फॉर सब्सिडियरी अलायंस राइट सब्सिडियरी अलायंस तो इनके पास पहुंच गया वो कहता है सर कहाँ साइन करना बताओ ट्रीटी साइन करवा लो बट जान बचाओ मेरी है ना ये लोग मुझे मार देंगे ख़त्म कर देंगे तो ऐसे रिचर्ड रिचर्डीज दोनों हाथ फैला के गले लगाया कि गया इसी बात का तो वेट कर रहे थे राइट right, कि मराठा आए और वापस हमारे साथ ट्रीटी साइन करें कमज़ोर तो हो ही चुके हैं राइट right, यही मौका है फ़ायदा उठाने और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होगी सब्सिडरी अलायंस साइन हो जाएगी मराठा के साथ उसे बोलेंगे तू चिंता मत कर दोस्त तुझे हम यू you नो know, आर्मी देंगे बदले में कुछ पैसा वैसा लेते रहेंगे एंड ऑल राइट तो इन्फेंट्री देंगे आर्टिलरी देंगे बदले में तुम तो मुझे पैसे दे देना तुम वादा करो कि तुम किसी और देश को फ्रांस को स्पेशली किसी भी फॉरेन नेशनल को सपोर्ट नहीं करोगे प्लस तुम्हारा कोई भी नेगोशिएशन है हमको अपने साथ में लेकर जाओगे प्लस जो है सूरत तुम हमको दे दो राइट सूरत इतनी खूबसूरत है हमको दे दीजिए सूरत तो ऐसा उन्होंने मांगा तो कहते हैं कि दिस इज डेथ नेल ऑफ द मराठा एम्पायर घंटी बज गई है मौत की घंटी है ये मराठा एम्पायर पे ये ट्रीटी भारी पड़ने वाली अब जब ये ट्रीटी बाजीराव ने साइन कर ली तो बाकी के जो मराठास हैं दे तो फेल्ट वेरी बैड स्टार्टेड फाइटिंग एंड इंडिविजुअली सारे मराठास को हराया गया राइट right, इंडिविजुअली आप देखेंगे तो आर्थर वेलीजी इन्हीं के भाई हैं आर्थर वेलीजी और ये बाकी के मराठास इंडिविजुअली लड़ेंगे अकेले हारेंगे तो ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन हो जाएगी भोसले के साथ ट्रीटी ऑफ सुरजी रंजन गांव हो जाएगी सिंधिया के साथ ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट हो जाएगी होलकर के साथ तो नाउ इंडिविजुअली इन लोगों के साथ इस तरह की ट्रीटीज साइन हो जाएंगी तो नाव एवरीबडी अ ट्रीटी एंड मराठास को पकड़ लिया गया है अब मराठास इनके काफी हद तक कंट्रोल में है नाव अब ट्रीटी मैंने ऐड कर दिया पीडीएफ में है ना एक बार रीडिंग कर लेना हालांकि हमारे काम के नहीं है इन ट्रीटी में सवाल नहीं बनेगा बिकॉज इट इज टू डीप है ना पेफरी के भी परिफरी पे है ये नाउ मराठास तक आते आते अट्ठारह सौ सत्रह तक आते आते अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कहानी में तो अठारह सौ सत्रह तक आते आते मराठास आर लाइक कि हाँ हम एक और अटेम्प्ट देंगे हम लड़ेंगे गलत हुआ है ये हमारे साथ राइट फिर से फाइट करेंगे नाउ प्रॉब्लम वही है इनकी प्रॉब्लम थोड़े सॉल्व हो गया तुमने भले मन बना लिया हो कि हम लड़ाई लड़ेंगे अटैक करेंगे वापस जो अपना राज्य वापस पा रहेंगे बट द पॉइंट इज

नागपुर में एक अलग लड़ाई हो रही है माधवराव होलकर अलग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे बट स्टिल यू विल सी दिस इज़ नॉट प्लान एफर्ट यहाँ पे अभी भी कोहरेंस है ना जो यू you नो know, एक जो है आ, सिंक होना चाहिए था इस लड़ाई में वो अभी भी नहीं है दे विज अगेन बी डिफीटेड पेशवास को हमेशा के लिए डिथ्रोन कर दिया जाएगा कि अब कोई पेशवाशवा नहीं रहेगा राइट और उनको भेज दिया जाएगा बिठूर तो अब पेशवा के वंशज आगे आपको बिठूर में कानपुर के पास मिलेंगे तो आगे भी हम नाना साहेब वगैरह की बात करेंगे राइट तो कानपुर भेज दिया जाएगा और एक छोटा सा राज्य सतारा क्रिएट कर दिया जाएगा कि यह यही रेमिनेंट है यही बचा हुआ राज्य है बाकी पेशवा के साथ ट्रीटी ऑफ पूना साइन हो गई ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन हो गई संध्यास के साथ ट्रीटी ऑफ मंडसौर साइन हो गई होलकर के साथ और इस तरीके से मराठास का जो यू कैन से जो ग्रोथ है या जो करियर है वो यहीं पर अब खत्म हो जाएगा राइट इसके आगे मराठास फाइट नहीं करेंगे एग्जिस्ट नहीं तो दिस वॉज मराठाई मराठा मैं काफी हद तक बीच में बात कर चुका हूँ एक बार आप रीडिंग करिएगा आपका सेल्फ स्टडी अब यहाँ पे देखो जरा क्या क्या हाथ लग चुका है यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि एक तो बंगाल बिहार उड़ीसा ये तो हाथ लग ही चुका था राइट तो ये तो एरिया आ ही चुका है हाथ में राइट अवध अवध जो है बफर क्रिएट किए हुए तो अभी थोड़ी कहानी बाकी है बट फिर भी बफर तो है ही है प्लस प्लस अगर हम समझें तो हैदराबाद दोस्त है अपना हैदराबाद इसकी एक है, सब्सिडरी अलायंस भी हो जाएगी मायसोर को भी हरा दिया है कर्नाटिक अपना ही दोस्त है कोई दिक्कत की बात नहीं राइट है।, right, है ना कुछ सब्सिडरी अलायंस साइन होनी है बात करेंगे इसकी थोड़ी सी खानी रह रही है बात बताएंगे इसके बारे में राइट एंड एंड मराठास भी हो ही गए हैं तो अब क्या ही बच रहा है जो तो छोटे मोटे राज्य हैं सबके साथ साइन हो गए तो काइंड ऑफ अगेन इट इज नॉट हंड्रेड परसेंट बट काइंड ऑफ कंप्लीट या जो बड़ी एम्पायर थी बड़े रूलर्स थे अब वो जो है जा चुके हैं अब कोई मेजर चैलेंज मेन लैंड या इंटीरियर में आ, जो है नहीं रह गया एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर आपका पंजाब तो अब यहां पे गेम में दो प्लेयर रह रहे हैं एक पंजाब और दूसरा सिंध तो दो कहानी हमारी यहां पे रह रही है पंजाब और सिंध की कहानी यहां पे रह रही है आइए इसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट टेकअप करते हैं पंजाब आई होप हम लोग यहाँ तक सारे लोग साथ में हैं राइट है ना जो है थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाते चलो तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए बट अदरवाइज कहानी समझ में आ जाएगी तो पी से बाद में रिवाइज करोगे तब भी बन जाएगी बात एक बात कहनी रह गई कह देते हैं वरना अधूरी रह जाएगी ये जो थर्ड बैटल ऑफ मराठास है यहाँ पे इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं हेस्टिंग्स और हेस्टिंग्स ना जो है रहम नहीं करते हेस्टिंग्स रहम नहीं करते ही बिलीव इन प्रॉपर एनेक्सेशन कि इतना बड़ा राज्य मिला है राइट right, है ना तो ही बिलीव इन एनेक्सेशन एंड दैट इज द रीजन कि हाँ यहाँ मराठा का उन्होंने एनेक्सेशन ही किया है इसके आगे कोई और कहानी बचे ना ओके सो ओके सुनाओ सुनाओ अगेन जो है जो, जो लोग बाद में जोड़े मैं बता दूं कि जो है स्पेक्ट्रम सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया वो सीक्वेंस में चलेगी दोस्त राइट है ना तो जो है वो चैप्टर वन चैप्टर टू करके पढ़ा रहा हूँ तो बेहतरीन सीक्वेंस में रहेगा तो वो मिस मत करना जो है जो लोग भी संकल्प बैच वगैरह में नहीं है बेट तो फॉर देम वो रामबाण रहेगी आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसी के उसी को पढ़ लो वीडियोज़ देख लो उसी के साथ पढ़ लो है ना सफिशियंट हो जाएगा चलिए ओके तो फिलहाल बात करते हैं जो है पंजाब की बात करते हैं पंजाब तो पंजाब है ना ये एरिया हमको दिख रहा है पूरा है ना चाहे इधर देख लो नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखेगा ये आपका पंजाब है नीचे इनिशली कश्मीर वगैरह भी इसी में ही है राइट है ना तो इंडस इंडस की नदियाँ सब कुछ इसी में है अब यहाँ पे तो समझते हैं राजा हैं राजा ओके ना, तो राजा रंजीत सिंह राजा रंजीत सिंह शुक्र चकिया मिसल को बिलोंग करते हैं और इन्होंने राज्य संभाला है बिल्कुल एंड में देखो 1792 राइट right, है ना सत्तर अस्सी नब्बे सौ में नब्बे पे है बेसिकली है ना तो नब्बे पे रंजीत सिंह का राज्य चालू हो रहा है नाउ नाउ कहते हैं कि रंजीत सिंह की बहुत बड़ी आर्मी है एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मी है और ये पूरा जो ज्योग्राफिकल जो है लोकेशन तुमने देखा तुमने ऑलरेडी देखा कि एक अच्छा खासा बड़ा राज्य एग्जिस्ट करता है रणजीत सिंह का नाउ सेम पॉइंट पे अगर हम देखें है ना तो 1807 में 1807 में एक ट्रीटी हो रही है ट्रीटी ऑफ प्रिंसेट अलायंस ऑफ द जिसमें अलेक्जेंडर 1 है रशिया के और नेपोलियन है फ्रांस के बेसिकली रशिया और इधर फ्रांस राइट रशिया और फ्रांस ये क्या कर रहे हैं दोस्ती कर दे रहे हैं नेपोलियन और अलेक्जेंडर वन डिसाइड कर दे रहे हैं और इनका डिसीजन ये है कि हम इंडिया पे अटैक करेंगे वाया लैंड रूट दिस इज 1807, राइट right? 1807 हम इंडिया पे अटैक करेंगे वाया लैंड रूट अब इंडिया पे जब अटैक करेंगे आप वाया लैंड रूट तो समझिए थोड़ा सा इस बात को इसका मीनिंग क्या हो गया इसका मीनिंग ये हो गया कि आप इधर अफगानिस्तान साइड से कहीं से आएंगे राइट तो इन डैट केस पंजाब और सिंध दोनों ही दोनों ही पंजाब और सिंध दोनों ही अंग्रेजों के साथ अलाइंड होने इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए इस पॉइंट पे ये दोनों राज्यों की हम बात कर रहे हैं और ये दोनों ही पॉइंट हमारे 1800 के बाद की बातें हैं 1800 तक की कहानी हम लोग बात कर चुके हैं नाउ 1800 प्लस का डिस्कशन हो रहा है राइट right? तो अब हुआ कि क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए अब हुआ कि अब होगी दोस्ती है ना कि दोस्ती जरूरी है थोड़ा सा आगे की बात कह रहा हूं अभी हमने एक नाम सुना था वेलीजी का तो रफली 1798-99 से 1805 तक वेलीजली हुआ करते थे वेलीज़ली की तो थोड़ी तारीफ कर लेते हैं वेलीजली वो आदमी है जो जो पहली बात तो फ्रांस फ्रांस करता है ये तो याद रहेगा तुम्हें राइट है ना कि निपोलियन का खौफ है निपोलियन आ जाएगा निपोलियन आ जाएगा दूसरा वेलीज़ली वो आदमी है जो सब्सिडरी अलायंस से कराया है और दुनिया भर के ये वाले एग्रीमेंट किए हैं राइट right. अब आप सोचोगे कि हाँ इसको बहुत यू नो जो है शाबाशी मिली होगी सरदार खुश हुआ होगा ऐसा लग रहा है बट एक्चुअली लोग खुश नहीं हुए वलीजवी से वलीजवी से एक्चुअली बनती नहीं है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की या समझो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों की वलीजी से बहुत ज़्यादा बनती नहीं तो जो सब्सिडरी अलायंस कर रहा है वलीजी ये उसी को जो है उसी के ऊपर बैकफायर करेगा लोग कहेंगे क्या मचा रखा ये सब करने रहे हैं तुम्हें थोड़े भेजे हैं वहाँ पर क्या कर रहे हो तुम ये सब राइट right, इसको बुलाओ वापस बुलाओ तो 1805 में इसको वापस बुला दिया जाएगा कि ये सब करने तो हमने भेजा ही नहीं था राइट right, बट 1805 में इसको तुमने वापस तो बुला लिया बट अभी तुमने सुना 1807 में क्या ऐसी कोई तिलसिप की जो है यू नो ट्रीटी बन रही है अभी अब जो है सबको डर लगा फ्रांस 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 क्या किया जाए क्या किया जाए तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आया जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नया थॉट प्रोसेस नई फिलोसफी कि हम ऐसा सब्सिडरी नहीं करेंगे नया थॉट प्रोसेस है क्या दोस्ती फ्रेंडशिप दोस्ती कर लो ना किससे दोनों से दोनों से दोस्ती कर लो सिंध से भी पंजाब से भी तो यू सी सिंध और पंजाब का ट्रीटमेंट सेम ही है राइट right, है ना रीजन भी सेम ही है तो अब यहां तुम देखो कि सरदार रंजीत जो है ये आ, राजा रंजीत सिंह तो राजा रंजीत सिंह के पास भेजा जाएगा यू you नो know, भेजा जाएगा चार्ल्स मेटकाफ को चार्ल्स मेटकाफ चार्ल्स मेटकाफ कहेंगे राज हे राजन तुम इतने स्ट्रांग हो तुम्हारी आर्मी इतनी बढ़िया है राइट है ना जो है आप ही आप हैं इतने दयावान हैं आप हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं राइट दोस्ती कैसी ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप सदाबहार परमानेंट दोस्ती है ना तो परपेचुअल रहेगी हमारी दोस्ती अब इस दोस्ती के तहत क्या डिसाइड करना चाहते हैं हम लोग इस दोस्ती के तहत हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि सतलज के उस पार सतलज सतलज की उस पार आपका राज्य है और सतलज के इस पार हमारा राज्य है क्या करना चाह रहे हैं ये बाउंड्री डिसाइड हो रही है प्लस एक वर्ड यूज अब तक नहीं किया अब कर लेते हैं बफर बनाया जा रहा है बफर कि अगर उधर से अटैक होगा तो ये रहेगा बफर पहले ये झेलेगा हम इसकी मदद भी करेंगे चल के अटैक करेंगे तो दिस विल बी लाइक अ बफर स्टेट बिटवीन अस एंड फ्रांस या रशिया बफर क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है नाउ नाउ जो है जो है रंजीत सिंह भी कह रहे हैं ठीक है क्या ही दिक्कत है क्या ही परेशानी है 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 ना कह रहे रहे हैं 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 फ्रांस फ्रांस का पता नहीं हमसे डरते बातें कर रहे हैं। तो फिलहाल ये यहाँ पे एलिमेंट हो गया ठीक है सेम सेम अभी सिंध के साथ भी हम सेम पैरल लाइन पे यही करेंगे कि दोस्ती करेंगे नाउ अब रंजीत सिंह देखो है बहुत बहुत स्ट्रांग है रंजीत सिंह डेफिनेटली नो डाउट अबाउट दैट और देखो यहाँ पे ट्रीटी पे कोई ऐसा वो नहीं है क्या बोलते हैं कोई ऐसा पेनल्टी क्लॉज है सच नहीं है बोले आपको नहीं मानना है तो मत मानिएगा ट्रीटी इनवैलिड हो जाएगी नो no इशूज दूसरा कह रहे हैं कि सतलज के इस पार जरूरत से ज्यादा आर्मी मत रखना आर्मी रखोगे तो ट्रीटी वायलेट हो जाएगी तो यही कुछ बातें यहां पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में हुई विच इज अबाउट फ्रेंडशिप दोस्ती की ट्रीटी है ना नेक्स्ट स्टेप अगर तुम देखो तो अट्ठारह है ना बीस साल बाद लगभग एक ट्रीटी ऑफ तुर्क मनचई हो गई ट्रीटी ऑफ तुर्क मनचई अठारह अब इसमें फिर रशिया क्या कह रहा है इस बार रशिया फ्रांस नहीं इस बार मेनली रशिया क्या, क्या कह रहा है रशिया कह रहा है कि हम जो है नीचे इंडिया में अटैक कर सकते हैं सिमिलर बात फिर आ गई राइट अब यहां पे क्या चाहते हैं हम लोग यहां पे चाहते हैं कि अफगानिस्तान कम से कम अपना इसको भी बफर क्रिएट कर दें तो अफगानिस्तान को भी बफर क्रिएट करना चाहते हैं अफगानिस्तान में उस समय राज्य था दोस्त का दोस्त अली ही थे राइट इनको हटाना है और इनको हटाकर शाह सूजा को बिठाना है अब ये कभी जब जो है अफगान पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो बात करेंगे कि एग्जैक्ट क्या हुआ था बट फिलहाल वहां पर जो दोस्त है उसको हटाना है दोस्त अली को हटाना है और शाह सूजा को बिठाना है बट ये कैसे किया जाए सॉरी इसमें रंजीत सिंह का एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है तो 1838 समवेयर एक ट्रीटी ट्राई ट्रीटी होगी जो इन तीनों के बीच में है उसमें रंजीत सिंह भी हैं उसमें उसमें जो है ऑकलैंड भी हैं उस समय के गवर्नर जनरल और शाह सूजा जो कि इंटरेस्टेड है कि मैं बनूंगा राजा मैं बनूंगा राजा तो शाह सूजा को यहाँ पे बिठाने का इंतजाम है हालांकि बहुत बहुत बुरा रायता फैलेगा इसमें यहाँ पे ऑकलैंड को बहुत गालियाँ मिलेंगी बिकॉज कुछ हाथ नहीं लगेगा इसमें राइट अफगानिस्तान जाके ऑकलैंड जिंदगी की अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं राइट बट ये गलती आज का डिस्कशन नहीं है अब यहाँ पे अगर समझें तो यहां पर रंजीत सिंह का अलाइनमेंट है कि जाओ कर लो कूदना है कुएं में जाओ कूदो मेरा क्या है राइट right? बट मेरी टेरिटरी से मत जाना राइट तो ही ही इज इज नॉट नॉट गिविंग गिविंग एक्टिव सपोर्ट कि हाँ मैं यू you नो know, तुम्हारे साथ चढ़ के मैं भी कूदूंगा है ना ये सब नहीं है तुम्हें लड़ना है तुम्हें कुएं में कूदना जाओ कूदो कोई बात नहीं मेरी तरफ से अलाइनमेंट है है ना कि हाँ ठीक है समथिंग बट मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तुम्हें सपोर्ट इन द सेंस कि आर्मी या फिर जो है यू you नो know, साथ में चलू मेरी टेरिटरी से इन्वेट करो ये सब नहीं होगा बाकी तुम्हें जो करना है करो जाओ तो इस तरह की यहां पे इन्होंने ट्रीटी साइन करी बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब तक रंजीत सिंह हैं पंजाब का कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता बट अब क्या हो रहा है अनफॉर्चुनेटली इसी के अगले साल 1839 थर्टी रंजीत सिंह की डेथ हो जाए राइट right, अब पंजाब खतरे में है है ना अब रंजीत सिंह नहीं है अब पंजाब यहां से खतरे में पड़ गया है अब जब रंजीत सिंह के बाद जाने के बाद बेसिकली अब होगा कि यू you नो know, कौन राजा बने कौन राजा बने समथिंग

बहुत सारी बातें बाद में सेंस करेंगी हेनरी हार्डिंग बोल दिया है हो सकता है अभी सेंस ना करे बट बाद में कनेक्ट होने लगेगा कि हार्डिंगे के टाइम में पहली वॉर हुई थी समथिंग क्रोनोलॉजी की बात आएगी मैच द कॉलम की बात आएगी तो इट विल बी हेल्पफुल बट पहली बार में आज में लगेगा कि हेनरी हार्डिंग क्यों बोल दिया ठीक है बट हाँ बाद में काम आएगा ओके सुनाओ सुनाओ तो अब यहाँ पे क्या है कि अब झगड़ा चालू हो गया लोग थोड़ा सा जो है यू कैन से इमपेशेंट हो रहे हैं कि भाई अब करना क्या है रणजीत सिंह नहीं रहे अब करना क्या है ओके okay, प्लस अभी रिसेंटली रिसेंटली 43 में दो साल पहले सिंध को अनेक्स कर दिया गया है राइट right, अभी सिंध की कहानी सुनानी रह गई है बट सिंध की कहानी पैरल ही चल रही थी तो सिंध को अनेक्स कर लिया गया है तो लोगों को और खौफ हो गया कि अब तो सिंध भी चला गया है हमको भी ले ही जाएंगे सिंध के साथ भी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी ये हमको भी ले जाएंगे अब इस हड़बड़ाहट में गलती से सतलज पार कर गए लोग अठारह और अंग्रेज इसी का वेट कर रहे थे ट्रीटी तोड़ो तो सही राइट आओ तो सही सतलज के इस पार हम वेट कर रहे हैं झगड़ा तो चालू हुआ जीत जाएंगे कौन पहली ट्रीटी, ट्रीटी पैसा भी ले देंगे जमीन भी ले जाएंगे जलंधर दुआ ब्यास व्यास का एरिया जो है वो लेके चले जाएंगे राइट है ना प्लस कहेंगे हमारा एक आदमी आपके कोर्ट में बैठेगा अब तक यही अंग्रेज दोस्ती दोस्ती कर रहे थे परमिशन ले रहे थे रंजीत सिंह की बट एकदम से हवा बदल गई है रंजीत सिंह के के जाने बाद तो एक हेनरी लॉरेंस बोलेंगे कि ये रेजिडेंट की तरह रहेंगे आपके यहाँ देखेंगे सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है है ना अब सिख बुरा मान जाएंगे ये क्या कर दिया फिर भिड़ंत हो जाएगी अगली बैटल राइट नाउ तो जो है ऐसा दलीप सिंह को बिठा दिया जाएगा एज अ रूलर अब दलीप सिंह छोटे दलीप सिंह को रूलर बना दिया गया दलीप सिंह की उम्र कम है तो रानी जिंदन को कहा जाएगा कि भाई आप आप उनकी वकील बन जाइए बच्चा छोटा है कोई बात नहीं आप रूल करेंगे उनके बदले तो रानी जिंदन को भी बिठा दिया एज अ वकील लाल सिंह को वजीर बना दिया कश्मीर को गुलाब सिंह को दे दिया तो यहां से कश्मीर अलग हुआ कश्मीर को गुलाब सिंह को दे दिया कि भाई ये लोग पैसा तो नहीं दे पा रहे एक करोड़ रुपया तो नहीं दे पा रहे बट चलो ठीक है कश्मीर कम से कम तुम्हें दे दे रहे तुम पैसा दे दो तो थोड़ा बहुत पैसा वहां से मिल गया ना अब क्या हुआ कि जो है क्योंकि सिखों को पसंद नहीं आया सिखों सिखों ने कहा कि नहीं ये तो गलत हो गया बहुत वापस लड़ाई हो गया रिबेल हो गया अब इस बार फिर हार गए सिख यहीं पे तुरंत उसी साल ट्रीटी ऑफ भैरोवल दूसरी ट्रीटी हुई रानी जिंदन को हटा दिया गया रिजेंट से कहना आप नहीं संभाल पाए उसकी जगह बिठा दिया गया एक काउंसिल को कि आठ लोगों की काउंसिल है और वही जो हेनरी लॉरेंस था उस काउंसिल का हेड बना दिया गया दिस इज फर्स्ट बैटल फर्स्ट सिख वॉर अभी एनेक्सेशन नहीं हुआ है सरप्राइजिंगली इनका बस चलता एनेक्स भी कर देते शायद एनेक्सेशन करने का रीजन वही है ना करने का रीजन वही है कि भाई बफर क्रिएट करके रखते हैं राइट तो पहली बार में 45, 46 में इन्होंने में नहीं किया है हालांकि कर सकते थे अब अब आते हैं डलहौजी डलहौजी वो आदमी है जिसे सपने में उठाओ तो कहे हाँ हड़प लो हड़प लो राइट हाँ हड़प रहे दो ले आओ आओ ले वैसा वाला आदमी है ये ना है ना कि कहते हैं कि बाकी के गवर्नर जनरल्स यूज टू अवॉइड एज मच पॉसिबल कि एनेक्स ना ही करो क्योंकि के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं राइट right? लेकिन डलहौजी ऐसे हैं कि अगर पॉसिबल है तो एनेक्स तो कर ही लो ले ही आओ इसको टेरिटरी को तो ये इनका थॉट प्रोसेस फिलासफी ही डलहौजी की बहुत डिफरेंट है अब डलहौजी के सामने दूसरी बैटल हो गई पंजाब की ऑफ तो कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट डलहौजी नहीं छोड़ने वाले राइट तो फिर से फिर से जो है मुल्तान के गवर्नर थे जो है मूलराज है ना इनको रोकने के लिए शेर सिंह को भेजा दोनों मिल गए दोनों मिल अटैक कर रहे हैं लड़ाई हो रही है बट दिस इज डलहौजी डलहौजी नहीं छोड़ेंगे तो अब जो ट्रीटी बैटल हो रही है रामनगर चिल्ड्रन वाला गुजरात एंड दिस इज दी एंड फाइनल एनेक्सेशन ऑफ पंजाब राइट है ना जो है फाइनल एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हो गया तीन मेंबर्स का बोर्ड बनाया गया तो उसमें अभी भी हैं आपके हेनरी लॉरेंस जॉन लॉरेंस जो है आपके एक जो है चार्ल्स मैंसल और हैं तो तीन लोग अभी भी हैं यहाँ पे जो इसको लीड करेंगे उसको गवर्न करेंगे दिस इज हाउ वी विल लूज पंजाब टू ब्रिटिश पंजाब पूरी तरह जा चुका है राइट right? दोनों लोगों को सामने आ जाएगा लड़ाई झगड़ा काफी हुआ है तो दोनों लोगों को सामने आ जाएगा कि हाँ उतना घटना नहीं है प्लस विल बिकम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडिशन होगा और uh, सिख जो है डेफिनेटली एटीन फिफ्टी सेवन के रिवोर्ट को सप्रेस करने में अंग्रेजों की काफी मदद करेंगे Then, now, जो है हमारा आखिरी मुद्दा सिंध राइट right. सिंध की बात करता है सिंध तो ये बिल्कुल पैरगल कहानी चल रही है किसके साथ बिल्कुल पैरगल कहानी है आपके पंजाब के साथ सिंध में आपके तालपुरा आमिर हुआ करते थे तालपुरा आमिर तो टेक्निकली इतना हमें पीछे सिंध की कहानी नहीं पढ़नी अमीरस हुआ करते थे सिंध में सिंध को रूल कौन कर रहा है अमीरस रूल कर रहे हैं है ना तो वो दोस्ती वाली बात याद आई हमको तिलसित अठारह सौ सात अलायंस ऑफ तिलसित इनके पास ही पहुंचे लॉर्ड मिंटो लॉर्ड मिंटो समय है तो लॉर्ड मिंटो ने इनके पास भी फरमान भेजा कि सर दोस्ती कर ले तो सिंध ने कहा कर लेते हैं दोस्ती क्या ही बात है तो इन्होंने भी दोस्ती कर ली तो पंजाब ने भी दोस्ती करी थी प्लस जो है यहाँ पे आप देखिए 1809 सो सेम ईयर आप देखिए तो यहाँ पे इनकी भी दोस्ती हो गई है ट्रीटी ऑफ इटर फ्रेंडशिप सिमिलर टर्म्स ऐसा हमको बहुत रटना नहीं तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप सिमिलर टर्म्स जो है इनके साथ भी दोस्ती हो चुकी नाव नाव अट्ठारह में ट्रीटी रिन्यू हुई है और इसके बाद सिंध इतना दोस्ती में पागल हो गए हैं कि अमेरिकन्स को भी निकाल देंगे जबकि अमेरिकन का कोई डिस्कशन था भी तो कहने का मतलब सिंध बहुत विश्वास करते हैं इनके ओर सिंध को लग रहा है कि नहीं भाई ये अपना दोस्त है सच्चा दोस्त है ना इनको पूरा मदद करो ट्रेड रेड करने दो समथिंग है ना बहुत बढ़िया तो सिंध की साइड से पूरा सपोर्ट है आमिर जो है अंग्रेजों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ये मान के कि भाई ये तो दोस्त है राइट अगेन अगेन हमने समझा कि उधर जो है अट्ठाईस तक आते आते रशिया फिर जागने लगेगा तो लगेगा कि ये अटैक कर सकता है पाकिस्तान वगैरह ये अफगानिस्तान वगैरह के थ्रू आ सकते आके अटैक कर सकता है तो एटीन के बीच में एटीन में फिर से हम जागेंगे फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है अंग्रेज फिर सोचेंगे क्या करना है क्या करना है तो एटीन में है ना उधर वो ट्रीटी हुई थी इधर रंजीत सिंह की डेथ हुई थी इनके साथ पहले करी सब्सिडरी ट्रीटी आमिर ने कहा क्यों 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 उन्होंने कहा अरे करो साइन क्यों का कोई मतलब नहीं है राइट right, है ना वी आर टू पावरफुल नाउ है ना सिंध हमें चैलेंज नहीं कर सकता सिंध के क्यों का जवाब हम नहीं देते सब्सिडरी ट्रीटी है साइन करो मतलब साइन करो तो जबरदस्ती साइन करा दिया इनके साथ सिंध को लगा ठीक है शायद दोस्त अच्छे मूड में नहीं होगा बाद में आके सॉरी बोलेगा ऐसा उनको फीलिंग आया बट विद इन फोर ईयर्स भेजा गया चार्ल्स जेम्स नेपियर को राइट right, है ना कहा ये बहुत मेहरबानी हो गई सिंध को एनेक्स कर दिया जाए क्यों एनेक्स कर लिया जाए क्योंकि मन है मन है तो एनेक्स कर दिया जाए तो फायदेमंद है हमारे जो फायदेमंद है वो सब करेंगे तो अब तुम देखो कि हाँ चार्ल्स जो है चार्ल्स नेपियर खुद भी अपने जर्नल में लिखते हैं कि दिस वॉज एन एक्ट ऑफ रेस्कैलिटी बहुत ही कमीनापन था ये बहुत ही गलत काम हम लोगों ने किया है बट बट बेनिफिशियल तो बहुत था दोस्त मज़ा तो बहुत है है ना जो है अंग्रेजों के लिए फायदा बहुत है तो यहाँ पे चार्ल्स जेम्स नेपियर को भी बहुत इंसेंटिवाइज किया जाएगा एनऑल और इस तरीके से सिंध बिना बात के बिना किसी बात के जो है यू नो अनैक्स हो जाएगा तो पंजाब और सिंध बिल्कुल पैर स्टोरी थे वो भी अट्ठारह सौ नौ अट्ठारह सौ नौ में दोनों की दोस्ती एंड एटीन थर्टी नाइन में उधर रंजीत सिंह की डेथ हुई है और यहाँ पे तो किसी का वेट था नहीं इसको तुरंत अनेक्स कर दिया गया और फिर जब मौका देखा गया तो फिर जो है आ, पंजाब को भी अनेक्स कर दिया तो दिस इज हाउ दिस होल स्टोरी ऑफ एनेक्सेशन हैपन राइट अगर हम देखें तो ये जो पूरी कहानी है इस पूरी कहानी में मुगल्स कभी सत्रह में पीक पे हुआ करते थे बट ये डिक्लाइन होते चले गए टूटते चले गए राइट मराठास का राइज हुआ था बट इसको सस्टेन नहीं कर पाए और गिरते चले गए सत्रह से लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी राइज की हम बात कर रहे हैं है ना ये उठता ही चला गया और सत्रह है यू नो 1850 तक आते तो तो आते अठारह सो तक आते आते मैक्सिमम टेरिटरी ये एक्वायर कर चुका है ना ना तो ये जो है अब हम देखेंगे गवर्नर जनरल की आंखों से कहानी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे गवर्नर जनरल्स गवर्नर जनरल्स की आंखों से आते हैं देखते हैं कि क्या हो रहा है तो इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने में इनिशियली बैटल ऑफ प्लासी और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इनिशियल सपोर्ट सिस्टम तो ये है ही है बात सुन रही ये हमने ऑलरेडी बात करी बैटल ऑफ प्लासी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद तो वहां पे हमने देखा है कि भाई सबसे बड़ा हाथ किसका है रॉबर्ट क्लाइव का तो रॉबर्ट क्लाइव वाला एंगल हम ऑलरेडी ठीक से समझ चुके हैं वापस इसमें नहीं जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव इनफैक्ट रॉबर्ट क्लाइव को क्रेडिट हम दे देंगे फ्रेंच फ्रेंच वाली राइवलरी में भी डुप्लेक्स को बाहर करने में भी जो हमने आज नहीं पढ़ा है बट वो क्रेडिट भी रॉबर्ट क्लाइव को जाए देन सेवेंटीज का जो दौर है सेवेंटीज का दौर सेवेंटीज का दौर वॉरन हेस्टिंग का दौर है वॉरन हेस्टिंग वॉरन हेस्टिंग के सेवेंटीज के दौर में हमें याद आया कि एक तो हमने माइसोर की कहानी सुनी है सत्तर अस्सी और दूसरी हमने जो है मराठास की कहानी दोनों सेम दौर में हो रहे थे यहीं पे अमेरिकन रेवोल्यूशन की हमने बात रखी थी कि फ्रांस और अंग्रेज अलग अलग हैं और उसी की वजह से ये सारे झगड़े यहाँ पे यू you नो know, ट्रिगर हो रहे हैं माइसोर और मराठास हमने दोनों देखा था सेकेंड बैटल ऑफ माइसोर स्पेशली और फर्स्ट बैटल ऑफ मराठास दोनों ही वॉरन हेस्टिंग्स के साथ यहां पे कनेक्टेड थे तो पिचासी जो है सेवन थ्री सॉरी सेवन टू से एट्टी फाइव एट्टी फाइव इनफैक्ट एक दूसरा मैप बना लेते हैं बेटर होगा चलो अब समझो जरा इस पूरी कहानी को समराइज करते हैं एक हमने कहा कि 1757 से अगर हम कहानी शुरू करें 1757 तो बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी देन 1764 बक्सर और इसी में 65 की ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये ये पूरा क्रेडिट जो है ये क्रेडिट इसको जाता है इंक्लूडिंग फ्रांस वाला जाता है रॉबर्ट क्लाइव को रॉबर्ट क्लाइव ने ये इनिशियल गेम क्रिएट किया था राइट है ना ये लाइन बनाना चाहो तो बना सकते हो रॉबर्ट क्लाइव ने ये इनिशियल गेम क्रिएट किया था जो कि आगे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेगा नाउ नाउ इसके बाद जो हमारे लिए टेन्योर मायने रख रहा है वो टेन्योर मायने रख रहा है हेस्टिंग्स का वॉरेन हेस्टिंग्स 72 से 85. वॉर हेस्टिंग्स इसी दौरान बीच में हमने देखा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन की हमने बात कह दी थी अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हो रहा है जिसकी वजह से वर्सेस फ्रांस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहां पे, और इसी की वजह से झगड़े भी हो रहे हैं राइट तो इसी में हमने देखा अभी माइसोर का झगड़ा और इसी में देखा मराठास का झगड़ा मराठास की पहली बैटल समझ में आ गया कि तौबा तौबा मराठा से दूर रहो और माइसोर की जो है ये दूसरी बैटल थी राइट है ना जो है एटीज एस से नब्बे थी सेकंड बैटल ऑफ माइसोर तो ये कहानी हमारी वॉर एन हेस्टिंग से कनेक्ट हुई दोनों को इन्होंने ठीक टैकल किया प्लस एक और बात हम जो है से बक्सर में एक और बात हम समझे चलो ठीक है अभी आगे देखेंगे आगे बढ़ते हैं अभी एटी फाइव नव एटी फाइव टू नाइनटी थ्री समवेयर ये जो जोन है ये जोन में एंट्री हो रही है की

काफी भारी पड़ी थी टीपू के ऊपर टीपू को काफी बुरा लगा था यहाँ राइट right, तो कॉन एक ही बैटल इंपॉर्टेंट टीपू like बट दैट इज लाइक इंपॉर्टेंट बैटल टीपू की इंपॉर्टेंट बैटल मराठा से झगड़ा करेंगे मराठा से अभी झगड़ा नहीं करेंगे नाउ अब एंट्री होती है आपके वेलीज़नी की अराउंड 98, 99 समवेयर टू 1805 एंट्री हो रही है रिचर्ड वैलीजी खाली वेलीजली लिख रहा हूं वेलीजली एंड वेलीजली इज द पॉइंट जहां पे हमने बार बार कई बार हजार बार एक, बार एक बात कही विच वॉज सब्सिडरी अलायंस अब समझते हैं सब्सिडरी अलायंस राइट अब यहां सब्सिडरी अलायंस ऑफ कोर्स 99 में मैसूर को हरा दिया था राइट right, प्लस प्लस मराठास के साथ सब्सिडरी अलायंस करी प्लस बहुत सारे स्टेट्स के साथ सब्सिडरी अलायंस करे इनफैक्ट राजपूत के साथ तो ये जो दौर है वेलीजली का जो दौर है ये खासा इंपॉर्टेंट दौर है भाई एंड देन सब्सिडरी अलायंस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती सब्सिडरी अलायंस बात समझ आ रही तो आइए समझते हैं जरा सब्सिडरी अलायंस है ना आते हैं मुद्दे पे नाउ वॉट इज सब्सिडरी अलायंस सब्सिडरी अलायंस में लेट से एक राज्य है लेट से ए दूसरा राज्य है बी अब ए और बी आपस में झगड़ते ए से मैंने कहा कि मैं हूं रिचर्ड वेदि रिचर्ड वेदि ने अपने बहुत सारे एजेंट हायर करे हुए थे जिनको कहते थे पॉलिटिकल्स जिनका काम क्या था जैसे आपको क्रेडिट कार्ड करने, बाय करने का फोन आता है, वैसा ही इनका काम ये था कि कहीं से मुर्गा फंसाओ कहीं से स्टेट लेकर आओ जो हमारी ये जो है यू you नो know, ट्रीटी साइन कर दे तो वो जाके प्रेजेंटेशन देते थे इससे आप करेंगे तो ये फायदा होगा वो फायदा होगा समथिंग अब ऐसे में एक पॉलिटिकल अलर्ट से ए के पास कोई पहुंचा और ए को बोला कि सर हम आपको एक प्रॉपर आर्मी प्रोवाइड करेंगे आर्मी कोई भी बीवी का झगड़ा होगा आप चिंता मत करिए दिस ए दिस आर्मी इज ऑन मॉडल लाइंस हम हायर करेंगे आप चिंता मत करो हायरिंग की चिंता हमारी ट्रेनिंग की चिंता हमारी सारी चिंता हमारी तो ये आर्मी आपके साथ रहेगी एंड एंड बस इसका बदले में जो भी एक्सपेंस है वो आप उठाएंगे आप कहेंगे सर जब एक्सपेंस इसी आदमी ए को उठाना है तो ये खुद ही हायर कर ले बट उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है वो हायर तो कर लेगा बट वो ना ट्रेन कर पाएगा ना उसको मॉडर्न लाइन्स पे ग्रो कर पाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है नाउ ए को क्या फीलिंग आएगा ए को फीलिंग आएगा कि बी वाला झगड़ा करता रहता है मुझसे राइट right? अगर मेरे पास ये आर्मी होगी तो क्या मुझे फायदा होगा हां मैं बी से जीत सकता हूं बी से फायदा होगा मेरा जीतने का नाउ द पॉइंट इज कि ये आर्मी यूज करने का हक डायरेक्टली ए के पास नहीं है ऐसा नहीं कि तुम्हें आर्मी मिल गई है और तुम जहां जाके यूज करना चाहो किसी के साथ भी झगड़ा करना चाहो नहीं अफकोर्स अंग्रेजों का रिलीजली well का उस पर से होगा यू विल डिस्कस कि अगर किसी देश के ऊपर अटैक करना है कोई नेगोशिएशन करना है कोई ट्रीटी करनी है तो वी शुड बी इन्वॉल्व ऐसा अकेले जाके आपको ये नहीं कि हाँ आप आर्मी मिल गई है तो अटैक करना चालू कर देंगे ये आप नहीं करेंगे प्लस आपके इंटरनल मैटर्स में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे प्लस हमारा एक रेजिडेंट आपके यहां बैठेगा जो कि देखेगा कि हमारे इंटरेस्ट वगैरह ठीक है राइट आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो हमारे हितों के खिलाफ जा रहे हैं भाई हम दोस्तों की तरह है ऐसा कह नहीं रहा हूं दोस्त है बट हम तो दोस्तों की तरह है राइट right, है ना दोस्ती टाइप की फीलिंग आ रही है यहाँ पे तो एक रेजिडेंट आपके यहां बैठा रहेगा जो देखेगा कि चीजें हमारे इंटरेस्ट में नाउ नाउ अब अब जरा मुद्दा देखो बना क्या है ना टेक्निकली इसने अपनी क्या कर दी है अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर दी है एज किंग आप भी सोचेंगे गलत तो नहीं किया है क्या ही गलत कर दिया है अब अब किसी की हिम्मत नहीं है भाई इसके ऊपर अटैक कर दे कोई अटैक नहीं कर सकता बी अटैक नहीं कर सकता अब होगा क्या बी कहेगा अच्छा बी को फोमो होने लगेगा फियर ऑफ मिसिंग आउट अब बी के पास भी एक बंदा जाएगा कहेगा आर्मी चाहिए बी कहेगा बंदा यहां भी बैठ जाएगा इनका रेजिडेंट राइट सिमिलरलीट से सी भी साइन कर देगा डी भी साइन कर देगा ई भी साइन कर, कर देगा तो सी डी ई सब ने साइन कर दी सारे पड़ोसी हैं सबके पास है सब्सिडरी अलायंस सबके पास है एक बहुत स्ट्रॉग फोर्स बट क्या ये लड़ सकते हैं है ना फोर्स तो है बट ये अब लड़ ही नहीं सकते हैं है ना पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि लड़े क्यों क्योंकि लड़ने के लिए अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ेगी अलाइनमेंट लेना पड़ेगा अंग्रेज कहेंगे अपनी ही आर्मी को मैं क्यों ही लड़ाऊं है ना कोई सेंस ही नहीं बनता तो लड़ने का जो है कोई मकसद ही नहीं है तो क्यों ही लड़ेंगे अब है सन्नाटा अब है पीस राइट right. कोई कहीं लड़ाई नहीं कर रहा है खाली आर्मी का खर्चा लगा हुआ है आर्मी का जो पैसा देना है वो जा रहा है अब अब क्या हो रहा है प्रॉब्लम यहां 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 से से अभी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी यहां से शुरू हुई है है प्रॉब्लम शुरू अब यहां पे तुम सोचो कि अंग्रेजों के पास कितनी बड़ी आर्मी है ये सारी आर्मी अंग्रेजों की है अंग्रेजों की लड़ाई होगी तो क्या वो आर्मी यूज करेगा हाँ यूज करेगा क्या ये सेना क्या ये लोग उसके सपोर्टर है अलायंस है तो नाउ दिस सब्सिडरी अलायंस सब्सिडरी alliance का सबसे बड़ा फायदा कि अंग्रेजों का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जो नंबर ऑफ अलायसेस हैं, वो बेहतरीन तरीके से बढ़ चुका है बहुत सारे दोस्त क्रिएट हो गए अलायंस क्रिएट हो चुका है बहुत बड़ा प्लस आर्मी भी क्रिएट हो गई है और ये सब, सब ये ये सब क्यों कर रहा है वो इस नाम पे कर रहा है कि कहीं फ्रांस ना आ जाए नेपोलियन ना आ जाए है ना वो सुलाती है ना अपने बच्चों को कि बेटा सोया वरना जो है गब्बर आ जाएगा तो यहाँ यहाँ का गब्बर नेपोलियन है कि हाँ कहीं से नेपोलियन ना आ जाए इस डर पे उसने ये पूरा गेम क्रिएट करा हुआ अंग्रेज भी नीचे सपोर्ट कर रहा है सब सपोर्ट करना रहा है ठीक है यार, कर ले है। आ सकता है नेपोलियन आ सकता है तो हवा बना रखा है वैलीजी ने बट अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि दूसरी प्रॉब्लम क्या है दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है इसको समझो थोड़ा सा कि अब ये जो ए राजा है अब इसके जीवन में लड़ाई झगड़ा बचा ही नहीं अब तक ये लोग युद्ध करते थे अब तक ये लोग जो है कोशिश करते थे कि अपने आर्मी में अपनी अपने राज्य में इकॉनमी बहुत अच्छे से चलाएं एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चलाएं ताकि लोग खुश रहें पैसा दें प्लस प्लस दूसरे से लड़ने का डर था तो वहां भी लोगों का सपोर्ट चाहिए था तो ओवरऑल दे वर वेरी मच वेरी मच इनटू इनटू एंश्योरिंग एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में भाई अब तक जान देते थे बट अब जब उसे हो गया है कि कहीं कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता इसका मतलब मैं ज़िंदगी भर राजा रहूंगा. मुझे कभी कोई नहीं हराएगा मेरा राज्य कभी नहीं जाएगा मैं जिंदगी भर के लिए राजा हो गया हूं जब ये फीलिंग आएगी तो बहुत सारे राजाओं का एडमिनिस्ट्रेशन पर से ही उड़ जाएगा जब, जब मैं ही राजा रहूंगा कोई नहीं छोड़ सकता है तो अपनी अपने जीवन पर ध्यान दिया जाए तो उनको अलग ही निर्वाणा मिल रहा है वो फिर जो है कह रहे हैं कि नहीं नहीं फिर हमें कोई राज्य पर ध्यान ही नहीं देना है हमें कोशिश ही नहीं करनी कि मैं राज्य को और बढ़िया कैसे चला सकता हूं तो नाउ दिस सिस्टम इज एक्चुअली कॉजिंग इंटरनल डिके तो आज जब ट्रीटी हुई है ये भले बहुत स्ट्रांग रहा हो अंग्रेज इससे लड़ ना सकता हो बट विद टाइम मे बी दस साल बाद पंद्रह साल बाद इतना कमजोर हो जाएगा इतना इंटरनल डिके हो चुका होगा कि अंग्रेजों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा पूरा अंग्रेज कहेंगे दाएं तो दाएं अंग्रेज कहेंगे बाएं तो बाएं तो ये जितने राजे महाराजे हैं ये सब्सिडरी साइन करके ये बेसिकली अपने डेथ नोट पे इन्होंने साइन कर दिया है खत्म हो गई है पूरी सल्तनत राइट क्योंकि क्योंकि अब कोई इंसेंटिव ही नहीं है राज्य करने का राज्य इन द राज्य तो चलता रहेगा अच्छा राज्य करने का इकॉनमी ग्रो करने का स्ट्रॉन्ग एम्पायर क्रिएट करने का वो इंसेंटिव अब खत्म हो चुका है तो सब्सिडरीय सुनने में लगता है कि बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे यहाँ आर्मी रखेंगे बट उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग है राइट ये वेजनी जो कर गया है इसका इंपैक्ट अंग्रेज बाद में फील करेंगे कि अरे यार क्या करके चला गया है हम उसको गरिया रहे थे वेलीजी को कि उसने क्या किया अंग्रेज ऐसा सोचेंगे है ना लेकिन लेकिन वेलीजनी का जो ये जो ये जो गेम था सब्सिडरी अलायंस का ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म गेम था कि धीरे धीरे ये राज्य डिपेंडेंट हो जाएंगे कोई चैलेंजर नहीं बचेगा छोटे मोटे जितने राज्य हैं सब अंदर से डिके हो जाएंगे पावर खत्म हो जाएगी राइट तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है प्लसोर्स अफकोर्स जो है पैसा भी आ रहा है मनी भी आ रहा है पैसा तो आ ही रहा है बट पैसे में एक्सपेंसेस भी हैं माइनस एक्सपेंसेस ऐसा नहीं बहुत पैसा आ रहा है बट फिर भी आ तो रहा ही है है ना खर्चा भी तो है ना आर्मी हायर करी तो आर्मी आर्मी के खर्चे तो जाएंगे ही जाएंगे वो तो है ही बट येस आपका ओवरऑल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा हो गया आपके चैलेंजर सिस्टम से खत्म होते जा रहे हैं तो ये जो सब्सिडियरी अलायंस का गेम आया वेल इजीली का राइट दिस इज दिस इज गेम चेंजर तो जरा आप थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं तो हम बात कर रहे हैं सब्सिडियरी अलायंस की राइट तो वारेन हेस्ट वारेन हेस्टिंग वनवालिस सब्सिडियरी अलायंस यस तो हम देखेंगे हम देखेंगे कि हैदराबाद सबसे पहले हैदराबाद से साइन करा लेंगे 1798 में मैसूर से करा लेंगे तंजौर से करा लेंगे साइन की साइन करो अवध से कहेंगे अवध कहें कि भाई क्यों साइन करना है? हम तो ऑलरेडी तुम्हारे साथ कहें करो साइन अवध से भी जबरदस्ती साइन करा लेंगे पेशवा से साइन करा देंगे ऑलरेडी देखा आपने अठारह में बेरार है सिंधिया है जोधपुर है भरतपुर है तो बहुत सारे राजपुताना बहुत सारे राजस्थान के जो यू नो स्टेट्स हैं उनसे भी सब्सिडरी साइन हो जाएगा तो सब्सिडरी बहुत सारे स्टेट्स के साइन हो जाएगा और उनको बिना हराए आप अपने साथ मिला लेंगे और आगे जाके वो आपके खिलाफ नहीं जा पाएंगे बिकॉज दे विल बी नॉट डैट स्ट्रॉन्ग कि हाँ चैलेंज कर सकें तो सब्सिडरी है गेम चेंजर है राइट है ना अच्छा भाई दीदी मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है इसमें है ना ये थोड़ा सेल्फ स्टडी है रीडिंग करिएगा जो मुद्दा है जो मेन एसेंस है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि किसके किसके साथ यहाँ पे तो जोधपुर जयपुर बूंदी भरतपुर होलकर सबके साथ इन्होंने साइन कर दिया है सब्सिडरी अलायंस राइट तो हो ना अब देखो सब्सिडी दो में भी सवाल पूछा हुआ है सब्सिडी अलायंस के ऊपर है ना कि हाँ भाई क्यों करा था लॉर्ड वेजी ने सब्सिडरी अलायंस अब इस पे और अच्छा सवाल बन सकता है फिर से पूछ सकते हैं चलिए नाउ आफ्टर वैलीज़ली आफ्टर वैलीज़ली क्योंकि मैंने कहा ना कि वैलीज़ली से लोग खुश नहीं थे he was called back. तो ही वाज कॉल्ड बैक तो 1800 के बाद की कहानी अगर हम देखें तो वैलीज़ली वाज कॉल्ड बैक लॉर्ड मिंटो केम इन और यहां पे एक नई फिलॉसफी कौन सी आई मैंने बताई थी दोस्ती की फ्रेंडशिप ये वो स्पॉट है ये वो स्पॉट है फ्रेंडशिप वाला स्पॉट जहां पे आपकी पंजाब और सिंध से आपने जाके क्या करी दोस्ती पंजाब और सिंध की दोस्ती तो ऐसे करके दोस्ती हो गई पंजाब और सिंध की लॉर्ड मिंटो वाई बिकॉज दे फेल्ट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया सब्सिडरी अलायंस इज नॉट अ गुड आइडिया उनको ऐसी फीलिंग थोड़ी देर के लिए है ना कभी कभी समझ में नहीं आता क्या लग गया हाथ तो सब्सिडरी अलायंस इज नॉट अ गुड आइडिया इनको ऐसा लग गया था तो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि दोस्ती करो ये दोस्ती करने लग गए थोड़ी देर में बट चार पांच साल में कहानी सामने आ गई कि नहीं भाई ऐसे नहीं है वो जो कर रहा था वो ठीक कर रहा था फिर से यहां से बनाते हैं तो यहां से बेसिकली 1813 1813 1813 अठारह तक की जो पॉलिसी है जो अब तक तुमने पढ़ी

पंजाब सिंध ये तो सब बफर है कि हमें डायरेक्टली नहीं चाहिए हमें चाहिए कि हाँ हमारा काम निकलता रहे और अगर कोई झगड़ा हो तो इन लोगों का झगड़ा हो तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है रिंग फेंस का इसमें तुम बेसिकली देखोगे कि अंग्रेज अभी भी बैकफुट पे खेल रहे हैं राइट है ना अभी भी बैक पे खेल रहे हैं वो लोग अभी तक एनेक्सेशन मोड में आए ही नहीं है इस पॉइंट तक अट्ठारह तक वो लोग एनेक्सेशन मोड में नहीं आए हैं उसके पहले का जो मोड है उसमें वो वो नहीं करते नहीं ना रिंग फेंस मोड है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ बफर स्टेट क्रिएट करते हैं अब आप कहेंगे सर मराठा तो कर मराठा था ठीक है इसीलिए अठारह सो सत्रह में राइट उसके पहले अभी ये नहीं कर रहे थे माइसोर भी याद करो वोडियार को दे दिया था उन्होंने तो तेरह तक की जो पॉलिसी है दैट इज कॉल्ड एज रिंग फेंस पॉलिसी और 1813 से अठारह की जो पॉलिसी है 1857, दिस पॉलिसी इज कॉल्ड एज पॉलिसी ऑफ पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन राइट पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन अभी धीरे धीरे क्लियर होगा कि हाँ आइसोलेशन क्या है इट ये आइसोलेशन क्या है और जो है यू नो सबॉर्डिनेट कैसे हो रहा है ठीक है है ना बट हां कहते हैं पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यहां तक 1813 तक वी आर डन है ना यहां तक कहानी हो चुकी छोटी सी कहानी हमारी 13 से सत्तावन बाकी है ना तेरह पे आते हैं जरा 13 समझते हैं 1813 से अठारह आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स वो वॉरन हेस्टिंग था ये अलग हेस्टिंगस है लॉर्ड हेस्टिंग्स और इनके जीवन की फिलासफी अलग है ये बिलीव करते हैं ये बिलीव करते हैं पैरा सी में पैरा माउंटसी पैरा माउंटसी की एंट्री हो रही है मतलब यहां से थॉट प्रोसेस फिलोसफी चेंज हो रही है ये माना जा रहा है कि सब्सिडरी अलायंस की जो बात हो रही थी ना यहां तक जो हम सब्सिडरी अलायंस कह रहे थे सब्सिडरी अलायंस, ये जो सब्सिडरी अलायंस था इसमें बराबरी की बात थी कि हम और आप इक्वल फुटिंग पे हैं आपके साथ में अलायंस कर रहा हूं आपको कभी जरूरत पड़ेगी मैं मदद करूंगा ये इक्वल फुटिंग पे था ऐसा नहीं था कि हाँ कोई ऊपर नीचे है हम बराबर ही हैं ठीक है थीके? इस तरीके का यहां पे थॉट प्रोसेस था बट बट पैरामाउंटसी में क्या है पैरामाउंटसी में एकदम से उसने देखा कि अब हम हैं स्ट्रॉगर पावर कोई हमारे बराबर बराबर नहीं है कहेंगे हम पैरामाउंट पावर है तुम सब हमारे नीचे हो काइंड kind ऑफ of तुम सब हमारे सब्जेक्ट हो तो थॉट प्रोसेस ही बदल जाएगा राइट right, अब तक एनेक्सेशन इसलिए नहीं हो रहा था अब तक इसके पहले एनेक्सेशन इसलिए नहीं कर रहे थे थिंकिंग कि भाई हम तो बराबर ही हैं इसकी जगह कोई और राजा बनना चाहिए हमारा सपोर्ट करना चाहिए ये इंटेंशन था बट अब यहां से इंटेंशन ये है कि तुम सब हमारा ही राज्य हो राइट right, हमारा ही पार्ट हो तुम इनफैक्ट अगर तुमने सब्सिडरी भी साइन कर रखी है ना तो काइंड kind ऑफ of तुम हमारे नीचे ही आते हो और यहां से यू नो एनेक्सेशन विल ऑल्सो बिकम द गेम सब्सिडरी साइन करेंगे हाँ वो भी करेंगे बट एनेक्सेशन विल बी लाइक हाँ अब ऐसा कोई अप्रीहेंशन नहीं है ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हाँ इसको हम अपने कंट्रोल में देते हैं अठारह से कहानी बदल गई लॉर्ड हेस्टिंग्स आ गए अठारह में कुछ और भी हुआ एक चार्टर एक्ट आया है जिसकी वजह से कहानी बदल रही है बट इतना अभी नहीं जा रहे आज नहीं जा रहे बट हाँ ये समझो कि अठारह से थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ डेट चार्टर एक्ट थाट प्रोसेस बदल गया है और यहाँ से इन्होंने कहा कि ना अब हो गया भाई अब हम एनेक्स करेंगे और इसीलिए तुमने देखा कि 1817 में 1817 में तुमने देखा कि मराठास का हुआ राज्य का राइट right. है ना हेस्टिंग्स के हाथ लग गए थे मराठास आखिरी हेस्टिंग्स आ चुके थे है ना हेस्टिंग्स के हाथ लग गए थे और इसीलिए कहानी बदल गई चलो है ना तो होता है वो बदल गए तो ये बदल गए दिस इज जो है पैरामाउंटसी इन्हीं के टाइम में नेपाल की भी लड़ाई है नेपाल के साथ ट्रीटी ऑफ सगौली साइन होगी गया अठारह सौ में तो नेपाल इनको कुमाऊ और गढ़वाल दे देगा है ना नेपाल बेसिकली गोरखास थे है ना शॉर्ट में बता रहा हूँ स्टोरी गोरखास थे जो साउथ में पेनिट्रेट कर रहे थे नेपाल में अब नेपाल अवध बेसिकली इनका एरिया है है ना जो है अब जब साउथ में पेनिट्रेट कर रहे हैं बिहार साइड अब जो है गोरखपुर साइड तो इनसे झगड़ा हुआ जब झगड़ा हुआ तो फिर जो है ट्रीटी ऑफ सगौली हुई नेपाल हार गया और वहां से नेपाल बिकेम अ गुड अलाय नेपाल ऑल्सो है नेपाल ने पैसे भी दिए नेपाल ने टेरिटरी दी कुमाऊं की गढ़वाल की तो उत्तराखंड वाला जो बेसिकली एरिया है थोड़ा हिमाचल वाला जो एरिया है वो एरिया उन्होंने सीड किया एंड ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में इनके साथ साइन करी तो नेपाल इनके पास इस तरीके से आ गया राइट दूसरा बाकी इनके साथ रिलेटेड है रैयतवारी सिस्टम एंड ऑल बट वो हमारा डिस्कशन आज नहीं है ऑलरेडी हम पंजाब सिंध ये सारा डिस्कशन कर चुके हैं लॉर्ड ऑकलैंड अफगानिस्तान ठीक है ये डिस्कशन हो गया अब विलियम बेंटिक का माइसोर की बात मैंने कही थी अब विलियम बेंटिक के टाइम में तुम देखो तो कूर्ग भी एनेक्स कर दिया गया है सेंट्रल कचर भी अनेक्स कर दिया गया है तो एनेक्सेशन इज नाउट बिकमिंग डोमिनेंट फिलॉसफी जैसे जैसे हम आगे जा रहे जाते जा रहे हैं एनेक्सेशन का एडॉपशन एनेक्सेशन का एक्सेप्टेंस बढ़ता चला जा रहा है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आएंगे वो है लॉर्ड डलहौजी हमारे आखिरी आखिरी प्लेयर लॉर्ड डलहौजी ना लॉर्ड डलहौजी के बारे में अभी मैंने कहा था कि वो है जो सपने में भी को तुम चाहे हिला दो तो कहें हड़प लो हड़प लो राइट right, है ना जो है आ रहा है तो आन दो आन दो तो एनेक्सेशन के लिए बेसिकली ये जाने जाते हैं है ना तो ये कुछ नहीं छोड़ेंगे डलहौजी कुछ नहीं छोड़ेंगे डलहौजी कहेंगे जो आ रहा है आने दो अब डलहौजी इज नोन फॉर सो मैनी थिंग्स झगड़ा लेके लाना है तो आ जाए अगर शांति से कोई आ जाए तो आ जाए जैसे हो सके सबको ले आओ बात समझ में आ रही है अपने राज्य का पार्ट बना लो जैसे हो सके ले आओ तो पहले तो कुछ झगड़ के एनेक्सेशन द्वारा हुआ है जैसे पंजाब की कहानी तुमने ऑलरेडी सुनी हुई है इसी तरह ये बर्मा बर्मा का लोअर बर्मा जो है एनेक्स कर लेंगे सिक्किम आ जाएगा इनके पास तो ये तो एनेक्सेशन द्वारा है कॉन्केस्ट द्वारा है लड़ाई द्वारा कि लड़ के ये सारी जगह ले लिए बट इसके अलावा इनके पास कुछ अतरंगी और भी जो है यू नो वेपन्स हैं जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ रैप्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहता है कि अगर किसी किंग की डेथ हो जाती है और उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं है नेचुरल बेटा नहीं है इन डैट केस अगर इसका कोई अडॉप्टेड सन है हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता इसको मानना है एडोप इसको जो है वारिस मानना है नहीं मानना है ये अंग्रेजों का प्रेरोगेटिव है और इन दिस केस दिस होल एम्पायर विल पास टू ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की एम्पायर हो जाएगी ये बड़ा अतरंगी सा जो है साइडिया लेकर आए डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स हालांकि डॉक्ट्राइन ऑफ डॉक्टर इनका आइडिया नहीं है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स ओरिजिनली जो है पहले भी 24 में यूज हो चुका है 30s में यूज हो चुका है राइट right. इन्होंने मिस यूज किया यूज तो पहले भी हो चुका है इन्होंने जो है उसको स्केल किया है कि हाँ जी भर के यूज करूंगा Normally, labs ऐसा लगता है कि राजे जनरली बहुत सारी शादियां होती थी बहुत सारे बच्चे होते थे उनके तो ऐसा लगता है कि ये किसी के ऊपर लागू नहीं होगा बट आई है कि डेटा देखा है पचास साठ राज्य ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में पढ़ते हैं जो पचास साठ राज्य हड़पे जा सकते हैं इस कैटेगरी में जिसमें झांसी भी आता है सतारा है झांसी है बहुत सारे राज्य इसमें आ रहे हैं हंडल डॉक्ट्राइन ऑफ ही विल स्टार्ट एन एक्सिंग और एकदम भूकंप आ जाएगा कि कुछ भी कर रहा है आदमी सतारा ले जाएगा जैतपुर है बागत है झांसी है और झांसी की कहानी तो बहुत ही फेमस है नागपुर जैतपुर सांभलपुर उदयपुर है ना तो ये पूरी कहानी यू कैन से जो है आ, बनने लगेगी भाई ये कुछ भी कर रहा है आदमी ये राज्य जो है ये सारे यू you नो know, जो है कांपने लगेंगे और बाकी के जो राज्य हैं जो इस लिस्ट में हैं अभी नंबर आने वाला है दे विल ऑल्सो भी लाइक कि पता नहीं क्या हो रहा है दूसरा देखो इन्होंने अवध के साथ क्या किया अवध अवध को खाली अवध चाहिए था बस कैसे भी अवध चाहिए था बस चाहिए तो चाहिए अवध को बोला कि तुम ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हो तो 1856 में डलहौजी ने सिर्फ और सिर्फ यह कह कहकर तुम ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हो मिस रूल है तुम्हारा मिस गवर्नमेंट कर रहे हो इसके बेसिस उठा ले गया हो राइट right, सिमिलरली बेरार बेरार की कुछ जो है पैसा बाकी था कुछ पैसा वैसा देना था बेरार को उसके बदले उसकी कुछ टेरिटरी लेकर चला गया तो हौजी कहते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ा है राइट और इसने कुछ भी किया है ना कुछ भी किया है तो वापस आते हैं। तो इस टाइमलाइन में आखिरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है 1848 से 1857 लॉर्ड डलहौजी खाली डलहौजी लिख देते हैं लॉर्ड कहने की क्या जरूरत है इतना तुम लिखना डि बढ़े नहीं डलहौजी राइट नाउ डलहौजी में हमने समझा कि भाई ये तो एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दिया इन्होंने वॉर द्वारा भी एन कर रहे हैं एक अवध का मिस गवर्नमेंट पे एन कर दिया एक बेरार की कहानी सुनी और दुखदाई है पूरा एंड ये इतना ज्यादा हो चुका है ये येक्सेशन डलहौजी इतना ज्यादा यू कैन से पाप का घड़ा भर चुके हैं कि यहाँ पे तब कहीं जाके अठारह में हमको देखने को मिलेगी रिवोल्ट 1857 की क्रांति एग्जैक्टली exactly डलहौजी के जाने के एक साल बाद आ रही है 1856 में डलहौजी चले जाएंगे है ना पैनिंग आ जाएंगे और 1857 में हमको क्रांति देखने को मिलेगी रिवोल्ट देखने को मिलेगी राइट तो आई होप जो है ये बातें आपको सारी समझ में आई होंगी तो ये फाइनली फिफ्टी का रिवोल्ट पूरा ही मैप अट्ठारह तक आते आते तो मैं दो तरह के रंग दिख रहा है इसमें लाल रंग वो है जो अनेक्स हुआ है पीला रंग वो है जो कि सब्सिडरी अलायंस साइन करके बैठा है लाल रंग वो है जो डायरेक्टली रूल हो रहा है इसका मतलब इसके ऊपर कोई गवर्नर बैठा हुआ है तो दीज आर टेक्निकली ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब कोई अंग्रेज गवर्नर इसके ऊपर बैठा हुआ है और रूल कर रहा है तो लाल रंग वो है जैसे कि ये आपका बंगाल हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया पंजाब हो गया राइट इवन यूपी हो गया सेंट्रल प्रोविंसेस हो गया ये सब क्या है कि डायरेक्ट जो है कंट्रोल में है गवर्नर बैठा हुआ है येलो वाला पार्ट क्या है, वो है, जो में है. इसका मतलब राजा बैठा हुआ है अब इसको प्रिंस बोलेंगे, किंग नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि कहानी 1857 में बदलने वाली है ना? रानी वहां बैठी हुई तो ये राजा कैसे हो सकता है, है ना? तो, इसको प्रिंस बोलेंगे. तो कोई प्रिंस बैठा हुआ है तो यहाँ से अठारह की जो है लड़ाई चालू होती है अब यही थोड़ा सा लिस्ट डाउन कर दिया है आपकी बैटल्स पढ़िएगा इसमें आगे बहुत सारे एम हैं तो हमने पूरी कहानी खत्म करी बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ अक्सर मायसोर मराठास पंजाब सिंध और फिर सब कुछ देखा हमने दोबारा वाया गवर्नर जनरल राइट तो आई होप ये बात आपको पूरी तरह समझ में आई होगी है ना बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ये एम और जो है जो मेन्स के सवाल है ये थोड़ा सा आपका होमवर्क है ये पी डाउनलोड करिएगा आपसे एंड जो है टेकअप करिएगा है ना अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश करिएगा और इसकी टाइमलाइन बनाएंगे तो आपको काफी हेल्प करेगा आप एनसीईआरटी इसको सा, इसके साथ रेफर कर सकते हैं शुरू में बताया था कि हाँ जो है कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप इसके साथ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं राइट और ये जो पीडीएफ है ये इसको भी आप पढ़ के यू नो रेफरेंस की तरह यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं ठीक है या ओके या तो बाकी हम तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए मेहनत करते रहिए नेक्स्ट फोकस क्लास में मिलेंगे हम लोग बात करेंगे मराठा हिस्ट्री है ना हमें बात करनी है पानीपत की बैटल की क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है एक मेज का सवाल पूछ चुके हैं पानीपत पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंट्स का भी सवाल है तो पानीपत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो पानीपत थोड़ा थो थो सा पॉइंट उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है क्लास में बाकी आप लोग तो तब तक पढ़ते रहिए मिलते हैं ने ने। नेक्स्ट क्लास बाय टेक केयर गुड डे है ना एक ओके बाय